मॉर्निंग टू ऑल। आज आपकी क्लास शुरू करेंगे हम नए टॉपिक से। आज आपकी क्लास नए टॉपिक से शुरू होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांच हेड्स हैं जिसमें दो आपने कंप्लीट किया है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। और उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो आसान है। अगर आपके पास कोई डाउट है पुराने टॉपिक का, हाउस प्रॉपर्टी का, तो मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए इसमें क्या डाउट है आपका। थोड़ा सा हम कर लेते हैं। लोन लिया है 2010 जनवरी और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट यहां से हुआ है। बताइए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ। आपको इंटरेस्ट कौन से ईयर से अलग होगा जिसका डाउट है, कौन से ईयर से इंटरेस्ट अलग होगा? ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। अलाउड कब से होगा? 14 मत बोलिए, 13-14। फिर से देखिए उधर, 2014 कोई शब्द नहीं होता, या तो 13-14 होता है या 14-15 होता है। यहां तक के ब्याज को आप क्या करोगे, जोड़ोगे? बोलो, जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करके सबको दे देंगे। यहां से शुरू करोगे, केशु से किसको दोगे? यहां से दोगे। आप 13-14 क्यों कह रहे थे? 14-15। ठीक। तो बताओ पहला जो तुमको साल ब्याज मिलेगा, अलाउ होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो कौन सा ईयर होगा? कैलकुलेटर की नहीं जरूरत है, कौन सा ईयर होगा? हाँ, अब ठीक हिम्मत करके बोला तुमने, एवाई के टर्म में बोलो। 14-15 को एवाई क्या बोलेंगे? पक्का? तो इसका मतलब आपको 15-16 से एवाई से अलाउड होगा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एवाई 14-15 में कितना अलाउड होगा, इसका मतलब मैं कौन से ईयर के लिए पूछ रहा हूं? इस ईयर के लिए। इस ईयर में तो अलाउ ही नहीं होगा, बल्कि इसे जोड़कर पांच हिस्सों में बांटेंगे, इसीलिए यहां जीरो आ रहा है। इतना ही डाउट था या और डाउट है? 4000 तुम्हारा ज्यादा आ रहा है, 4000 ज्यादा आ रहा है। तो 10-11 का ब्याज बता दो, 10-11 का ब्याज बताओ।
दस ग्यारह का ब्याज बताओ, चार आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन, आठ महीने, आठ महीने का 40,000 तुम्हारा कितना? बीमारी का पता लग गया, दवाई खाओ स्वस्थ हो जाओ। तुमने कहाँ से ले लिया? यहाँ से। लेना कहाँ से? यहाँ से, बल्कि न जाने कहाँ से तुमने ले लिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेना कहाँ से? पढ़ा था ना हमने विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर पढ़ा था ना। चलो और कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट रिगार्डिंग लास्ट क्लास, लास्ट टॉपिक? तो स्टार्ट करें न्यू टॉपिक। चलो बेटा आपको नहीं आएगा समझ में, ये मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कंफ्यूज करेंगे आप क्लास के बाद। आपको पुराने असेसमेंट ईयर में दिक्कत है ना? ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाँ जी बताइए, दो टॉपिक खत्म कर लिया आपने, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। वैसे तीसरा टॉपिक तो होता है पीजीबीपी, अगर हम सच्चाई बताएं, क्योंकि सीक्वेंस से चलें तो सेक्शन 15 सैलरी था, 16 और 17 भी सैलरी था, तो 15 16 17 सेक्शन सैलरी का था। फिर आया 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 27 को छोड़कर बाकी सब आप पढ़ चुके हो। फिर 28 से लेकर 44 तक, 44 तक पीजीबीपी है, और ये 45 से शुरू है, तो यानी बीच में तो आना चाहिए पीजीबीपी। लेकिन मेरे हिसाब से, एक्ट लिखने वाले के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें नॉलेज लेना है, और नॉलेज के लिए हमें सिक्वेंस अपने हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए पीजीबीपी नहीं कैपिटल गेन। ठीक है साहब, तो चलिए आपने भरोसा किया कि कैपिटल गेन ही पहले पढ़ना है। अब कैपिटल गेन में दो शब्द हम लेंगे, एक कैपिटल दूसरा गेन। कैपिटल शब्द क्या बताता है? कैपिटल शब्द बताता है कैपिटल नेचर की इनकम होगी, और गेन शब्द बताता है रेगुलर नेचर नहीं है, ये कैजुअल नेचर है। रेगुलर होता तो प्रॉफिट शब्द का यूज करते, कैजुअल नेचर है इसलिए ये गेन शब्द इस्तेमाल हुआ, तभी इसका नाम पड़ा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बताइए किसी भी चैप्टर में कौन सी इनकम एंटर करेंगे, उसके लिए आपको किससे मिलना चाहिए? चार्जिंग सेक्शन से। आप ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते, दरवाजे के बाहर जो बैठा है उससे परमिशन लीजिए, वो बताएगा आपको कि आपको अंदर आना है कि नहीं आना है। बताइए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ने बाहर दरवाजे पे जो था उसने क्या कहा था कि दो कंडीशन चाहिए हमको, क्या क्या? मकान चाहिए मकान, जमीन से नहीं काम चलेगा, और ओनर चाहिए ओनर, किराएदार से काम नहीं चलेगा। दो कंडीशन है तो अंदर आ जाइए। उसी प्रकार से कैपिटल गेन का जो ये कमरा है, आज से मज्यूम करेंगे ये कमरा कैपिटल गेन का है, तो कैपिटल गेन के कमरे में जो दरवाजे के बाहर बैठा है उसका नाम है 45 सेक्शन, सेक्शन 45, 41, 45।
और 45(1), 45(1) वो कहता है दो कंडीशन होने चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए आपके पास और आपने उसका ट्रांसफ़र किया हो, तब इनकम को कैपिटल गेन के अंदर लाएंगे, समझेंगे। अगर हम एक आम आदमी की तरह सोचें तो कौन सी इनकम आ रही है यहाँ पे, आम आदमी की तरह सोचें तो अगर किसी ने एसेट को बेचा है तो जो इनकम है वो कैपिटल गेन है, ठीक है साहब। लेकिन लेमैन क्या कहता है, वो पहरेदार क्या कहता है, वो कहता है एसेट नहीं, कैपिटल एसेट। हमने पूछा उससे कि तुझे क्या लेना देना, एसेट एसेट है, कैपिटल एसेट भी एक एसेट है, तो तू इस पंगे में क्यों पड़ रहा है। तो उसने मुझे समझाया कि देखिए अगर एसेट लिखिएगा तो स्टॉक भी एक एसेट है, करंट एसेट ही सही, स्टॉक भी एक एसेट है, लेकिन उसे बेचेंगे तो बिजनेस इनकम आनी चाहिए, कैपिटल गेन थोड़ी आना चाहिए। इसलिए हमने इसके ऊपर फोकस किया कि कैपिटल नेचर का एसेट होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने कहा ये शब्द भी बकवास है। मैंने कहा लो जी बेचेंगे तभी तो कैपिटल गेन आएगा, इसमें क्या बकवास है। उसने कहा ये बकवास है कि कई बार बेचना छोटा पड़ जाता है, शब्द ट्रांसफर बड़ा हो जाता है। बेचना शब्द छोटा पड़ जाता है, ट्रांसफर हावी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बेचने का मतलब है हमने सहमति से बेचा। आपके पास एक जमीन है और आपके घर एक चिट्ठी पहुंची कि साहब ये जो जमीन है ये हमको दे दीजिए। आपने कहा नहीं देंगे, चिट्ठी में आगे लिखा था आपसे पूछ नहीं रहे, बता रहे यहां से मेट्रो निकलेगा तो जरा जल्दी खाली कीजिए, आने ही वाले हैं कंस्ट्रक्शन वाले। आप नीचे लिखा था आपकी सरकार, आपने कहा सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया ये बात, तो पैसे पैसे भी आपको देंगे, 70 लाख रुपए आपको देंगे। अब बताइए अगर ये शब्द लिखा होता सोल्ड तो आप पकड़ जाते कि अब हम इनकम नहीं दिखाएंगे, जबकि ये जमीन आपने 12 लाख में खरीदी, आज 70 लाख मिल रहे हैं इसके, तो एक प्रकार से फायदा तो है, लेकिन आप अकड़ जाते कि ऐसे कैसे, सोल्ड तो आई नहीं, बेचा तो हमने आई नहीं, छीना गया हमसे, हम नहीं देंगे। ट्रांसफर शब्द उसको भी इंक्लूड करता है। और सोचिए इस बात समझ आई कि नहीं, अभी ऐसी चर्चा चल रहा है, अभी सब पढ़ेंगे सर, अभी ऐसे डिस्कशन चल रहा है, तो ये बात आपको समझ आई कि नहीं, ट्रांसफर और इसमें। और सोचिए आपके पास डिबेंचर है, डिबेंचर का नाम सुना है कभी, अच्छा तो डिबेंचर है आपके पास, आज वो रिडीम होने वाला है और आपको वो मिला था 100 रुपए में और रिडीम हो रहा है 140 रुपए में, आप बहुत खुश हैं। रिडीम का क्या अर्थ होता है साहब, सर आपसे कंपनी ही ले लेगी, यही मतलब होता है रिडीम का। तो क्या हम ये कहें कि आपने ये डिबेंचर कंपनी को बेचा, बेचा शब्द कैसे लगाइएगा, बेचा ही नहीं आपने, बेचा का तो ये मतलब है कंपनी ने आपसे डिबेंचर खरीदा, यानी अब कंपनी के पास है डिबेंचर, बट डिबेंचर तो अब किसी के पास नहीं है क्योंकि ये रिडीम हो गया, तो बेचना शब्द उसको कवर नहीं कर पाएगा, ट्रांसफर उसको भी पकड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर की जब हम परिभाषा बनाएंगे तो वहां अजीब अजीब सी बातें लिखेंगे। हम लिखेंगे एसेट का ट्रांसफर जरूरी नहीं है, एसेट के अंदर जो आपके राइट थे अगर उसका भी ट्रांसफर किया, उसका भी त्याग किया तो उसे भी ट्रांसफर बोलेंगे। तो डिबेंचर के अंदर आपके राइट्स थे, आपने वो राइट्स त्याग किया और उसके पैसे मिले रिडेम्पशन में, तो वो भी ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर शब्द हम कह सकते हैं सेल से काफी बड़ा है, समझे मेरी बात। तो बताइए क्या है पहली शर्त आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट। दूसरी शर्त क्या आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, तब जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लॉस भी आ सकता है भाई साहब, क्या दिक्कत है, लॉस भी आ सकता है। यहाँ तक कोई डाउट, कौन सा सेक्शन है सर ये सेक्शन है चार्जिंग 45(1), ये सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन 45(1), ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा अब हमें ये जानना है कि ये जो इनकम आई कैसे निकाली जाएगी, कैसे भी निकाली जाए उससे क्या मतलब है, जैसे भी निकाली जाए इनकम तो आ गई ना, हाँ इनकम आ गई, ये इनकम किस साल टैक्सेबल होगी,
क्योंकि सैलरी जब पढ़ के आए हमारा दिमाग खराब है, पता चला हमें सरकार कितनी लालची है, एडवांस लिया तो अभी दो टैक्स, पैसा नहीं मिला तुमको कोई बात नहीं, ड्यू तो हुआ लाओ टैक्स लाओ, अजीब अजीब बातें किया था सैलरी में, न जाने कोई हमारे अकाउंट्स का नियम ही काम नहीं कर रहा। अकाउंट्स में हमने पढ़ा था एक अक्रूअल सिस्टम है, एक कैश सिस्टम है, कुछ तो फॉलो करो, वो कह रहे दोनों फॉलो करेंगे, तो हमको जानना है ये इनकम किस साल की है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आए, वहां तो हद पार कर दिया सरकार ने, इनकम है ही नहीं फिर भी इनकम डीम टू बी लेट आउट, इनकम है लेकिन मिच अवेयर इज हायर, हद हो गई, कमा कुछ नहीं इनकम कुछ निकल रही है, इसलिए हमको जानना है कि ये इनकम जो आपने निकाला है ये किस वर्ष की मानी जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा है पूछ लिया, ये इनकम ट्रांसफर के वर्ष की इनकम मानी जाएगी, ट्रांसफर के वर्ष की इनकम, यानी मैंने आपको अगर ये मकान ट्रांसफर किया आज तो ये इस वर्ष की इनकम मानी जाएगी। हो सकता है पैसा मैंने आपसे पहले ले लिया हो सकता है पैसा हम आपसे दो साल बाद लें, लेकिन जिस साल हमने ट्रांसफर किया उस साल की इनकम मानी जाएगी। तो बताइए कैपिटल गेन किस साल की इनकम मानी जाएगी, फॉर द ईयर ऑफ, इट इज ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर ऑफ, फॉर द ट्रांसफर, बोलो बोलो, कैपिटल गेन इज ट्रीटेड एज इनकम, फिलिंग द ब्लैंक नहीं दे रहा, शुरू से बोलो, बैटरी चल रही है तुम्हारी डाउन हो जाती है, हाँ बोलो, वो कह रहा मैं क्यों बोलूँ इतने लोग बोल रहे हैं, मेरी बारी जब आएगी तब बोलूंगा, राजा तो अंत में बोलता है, सैनिक को लड़ने भेजो, बोलो, कैपिटल गेन इज ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर ऑफ, आप जानते हो कि जिस साल की इनकम होती है टैक्स उस साल ही देते हैं, बोलो हाँ कि ना, देखो नालायक कौन नहीं बैठा हुआ है, सबने हाथ हिलाया, सबने सर हिलाया, क्योंकि सर बोल रहे हैं इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है, बाकी हम निश्चिंत हैं, गाड़ी तो आप चलाते रहो, हम बैठे हुए जीवन का आनंद लेंगे, मैं पता लगाता रहता हूं कि आप जीवित हैं या हम मुर्दे लाश को पढ़ा रहे हैं, सांसें लेने वाले जीवित हो जरूरी नहीं है, देखो वो कैलकुलेटर चला रहा है, कह रहा आज निकाल ही दूंगा मैं कैपिटल गेन, जरा सोचिए कितना एडवांस है वो, अभी क्या अभी शुरू भी नहीं हुआ निकाल चुका कैपिटल गेन, कितना है बेटा तेरा अभी तो निकाल तो रहा था, नील आ रहा है, कह रहा नील आ रहा है, और बताओ, मतलब उसके हाथ कैलकुलेटर पे चल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि शरीर का एक हिस्सा उससे बगावत कर चुका है, और आप जानते हैं कि आपके शरीर का हर हिस्सा आपके दिमाग से ही चलता है, क्या ये आप जानते हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग का एक हिस्सा आपके हाथ को हिलाने में कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए दिमाग तो यहां लगा ही नहीं है, कोई पेन तोड़ रहे हैं, कोई पेन का कैप निकाल के फिर बंद कर रहे हैं, पेन से पूछा कभी तूने उसकी क्या हालत होती है, कैप निकालते हुए वो इंतजार करता है कि कैप निकाला है अब तो लिखेंगे, फिर बंद कर देते, जैसे कोई आदमी सोया हो तुमने उसे जगाया, वो जगह हाँ जी कुछ नहीं सो जाओ, पेन के साथ यही करते हो तुम, और न जाने कितनी बार करते रहते हो यही काम कर रहे हैं, क्यों पूछने पे क्यों पता नहीं, अब सोचो पागल और तुम्हारे में सिर्फ एक सर्टिफिकेट का फर्क है, क्योंकि पागल भी यही तो कहता है मालूम नहीं, जब पूछते हो ये हरकत क्यों किया तूने, जब मालूम नहीं साहब हम तो करते रहते हैं ऐसी हरकत, सर्टिफिकेट का फर्क है बस, और ये टॉपिक की पहली क्लास है, इस पर पूरा नींव टिका है, पूरा बिल्डिंग टिका है कैपिटल गेन का, और उसे आप नींद में ले रहे हो, जब मैंने पूछा तुमसे अभी कि बताओ जिस ईयर की इनकम मानी जाती है उसी ईयर तो टैक्स देते हैं, हाँ सर उसी ईयर देते हैं टैक्स, किस ईयर टैक्स देते हैं, अगले साल टैक्स देते हैं, और उस ईयर का नाम क्या होता है, असेसमेंट ईयर, तो बताओ बेटा कैपिटल गेन के लिए असेसमेंट ईयर को मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, असेसमेंट ईयर मींस इसमें डिफाइन करना है, और हम जानते हैं असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर की इनकम बनती है उसका अगला ईयर, और हम जानते हैं कि इनकम किस साल की बनेगी, ट्रांसफर ईयर की बनेगी, तो असेसमेंट ईयर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट फॉलोइंग द ट्रांसफर ईयर, अब ये चीज मैं लिखवा देता आप भी हां में हां बोल देते, रट लेते, समझ ही नहीं आया आपको क्योंकि नींद में थे आप, AY असेसमेंट ईयर हम कैपिटल गेन का कौन सा लेंगे, जिस साल ट्रांसफर हुआ उसका अगला, ठीक है, तो लिखिएगा मेरे साथ AY is equal to
ये सारी बातें आप पढ़ रहे हो सेक्शन 45 ब्रैकेट 1 में, ये सारी बातें आप पढ़ रहे हो सेक्शन 45 ब्रैकेट 1। ठीक है साहब, तो अभी तक क्या क्या पढ़ा बताओ। कुछ नहीं पढ़ा सर, हमने दो तीन बातें पढ़ी। एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ तो कैपिटल गेन आता है, और कैपिटल गेन ट्रांसफर ईयर की इनकम होती है। और सर चूँकि ट्रांसफर ईयर की इनकम होती है तो AY जो है वो अगला साल हो जाता है AY। अच्छा, अब हम देखें कि कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैपिटल एसेट कहते किसको, किसको कहा जाए कैपिटल एसेट। क्यों देखना है सर? क्योंकि कैपिटल एसेट अगर पता होगा तभी उसको बेचने पर कैपिटल गेन आएगा। तो कैपिटल एसेट वी मस्ट नो कि कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, फिर ट्रांसफर किसे कहते हैं वो भी देख लेंगे, बट कैपिटल एसेट किसे कहते हैं वो देखना पहले जरूरी है। कैपिटल एसेट डिफाइन किया है सेक्शन, आपको लिखना नहीं है। कैपिटल एसेट डिफाइन किया है सेक्शन 214 में, 214 सेक्शन 2 ब्रैकेट 14 कहता है मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। हमने पूछा बताओ किसको कहते हैं, हम भी पढ़ाएंगे बच्चों को तुरंत, जल्दी बताओ किसको कहते हैं। तो इसने हद कर दी, कहता है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट। हमने पूछा किसे कहते हैं कैपिटल एसेट, कह रहा है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट। हमने कहा प्रॉपर्टी मतलब कि मकान और जमीन, उसने कहा अभी तक बच्चा ही है क्या, प्रॉपर्टी मतलब मकान जमीन। हमने कहा मतलब वही हम जानते हैं, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी। चलो ज्वेलरी भी ले ली, कह रहा क्यों तुम्हारे कपड़े नहीं है प्रॉपर्टी, तुम्हारा कैलकुलेटर प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे जूते और ये कैमरा और ये पंखा और ये ट्यूबलाइट, एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब विच कैन बी सोल्ड, जो बेचा जा सकता है, जिसकी कोई कीमत हो, चाहे 2 रुपए हो या 2 करोड़, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा फिर ऐसे तो हर चीज कैपिटल एसेट है, आपने तो हद कर दी, एनी प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट, तो फालतू में इतना ड्रामा क्यों किया। हमें लगा कि आप कोई डिफिनेशन दोगे कैपिटल एसेट का कि ये, आप क्या कह रहे हो एनी प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट। तो भाई साहब इसमें तो कोई दम ही नहीं है, फिर मजा क्या आएगा। उन्होंने कहा रुको, चार चीजों को छोड़कर सिर्फ चार, इनको कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे, इनको छोड़कर बाकी सब कैपिटल एसेट है। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, बताओ ये कैपिटल एसेट है कि नहीं। क्या चीज, ये अकेला बच्चा है जो जिंदा है। नो बोलने वाले और यस बोलने वाले दोनों सो रहे हैं। तुमको कैसे पता कि ये चार में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये लिखा है इसमें। तो जब तुमको पता ही नहीं कि चार में आ रहा है कि नहीं, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। तुम्हारा जवाब होना चाहिए था जो इसने कहा कि पहले ये चार तो पढ़ाओ, तब हमको ये देना और हम देख लेंगे इसमें आ रहा है। अगर आ रहा है तो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि चार कैपिटल एसेट नहीं होते। और अगर इसमें नहीं आ रहा है तो ये क्या है उसको हम पहचानते भी नहीं, कैपिटल एसेट तो है। हो सकता है इसके स्ट्रक्चर को आप नहीं जानते, कितने में बिकेगा नहीं जानते, कोई चीज है बिकने वाली है और इन चार में नहीं आ रहा, कैपिटल एसेट है। तो कैपिटल एसेट है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये चार चीज जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। और ये चार चीज ये पहले ही पढ़ चुके हैं, बताएंगे अभी, बताइए। ना ना, उसको क्यों मैं तंग करूंगा, तू बता रहा था कुछ बिजनेस वजनेस बोल रहा था, कुछ पता नहीं, डेफिनेशन पढ़ रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूं फिर, ये देख डेफिनेशन, इधर देख, किताब दिखा, ऐसे दिखा, ऐसे, हाँ अब रख, हाँ। तो क्या मैच करता रहेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत, सर दर्द हो जाएगा क्लास के बाद, पता चला एक लाइन मैंने अलग बोल दिया, तो रुको, कट, फिर से आपने कुछ और डायलॉग बोल दिया, हाँ सॉरी की जरूरत नहीं है, जरूरत है मेरे इंटेंशन को समझने की। मेरा इंटेंशन है आपके अंदर कंसेप्ट को बिल्ड करना, और कंसेप्ट बिल्ड होगा
मेरे प्रोसेस से, मेरी मजबूरी है कि किताब मुझे सीक्वेंस में देनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, अदरवाइज किताब को भी बदल दूं, क्योंकि कंसेप्ट ऐसे नहीं चलेगा। कंसेप्ट चलाने के लिए मुझे पहले क्या बोलना है और फिर क्या बोलना है, और इस बोलने के बीच में आपकी बुद्धि उपयोग हो, सोचना है, और सोच पाएंगे नहीं जब हम देखना शुरू कर देंगे तो हम कैसे सोचेंगे। तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें मालूम ही नहीं है कुछ, हम क्यों डरे। बच्चे पूछते थे पहले जमाने में, पूछते थे, अब तो नहीं पूछते कि सर अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे, हम थोड़ा पढ़ के आएंगे। भाई स्कूल में पढ़ रहा है तो पढ़ के आएगा पहले, और मुझे मेरी मदद मिलेगी, मेरी मदद नहीं मिलेगी बल्कि उल्टा प्रभाव होगा। तू पढ़ के आएगा तो फेल होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि फिर मैं तो तुमको बना नहीं पाया। फिर मैंने वही काम किया कि न्यूज़पेपर पढ़ के तुमको उसकी जानकारी दी कि आज क्या क्या घटनाएं घटी है। मैं तुमको बनाऊं इसके लिए तुमको खाली भी तो चाहिए, तुमको मौका दूंगा ना पढ़ने का, क्यों नहीं दूंगा, लेकिन अभी समय आएगा। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग ने इस बात को पकड़ा कि नहीं कि सिर्फ चार ही चीज कैपिटल एसेट नहीं है, बाकी सब कैपिटल एसेट है। तो फोकस बाकी सब पे नहीं होना चाहिए, इन चार चीजों पे होना चाहिए। क्या है सर वो चार चीज, लिखना मत, सुनो सिर्फ। पहला उन्होंने लिखा है स्टॉक, मतलब जिसमें आप डील करते हो, जिसे आप खरीदते बेचते हो, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब होता है, जिसको बेचने के लिए रखा है उसको अगर बेचा तो ये कैपिटल गेन नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये तो नॉर्मल रेवेन्यू नेचर आ रहा है, पीजीबीपी में जाएगा। ज्वेलर ज्वेलरी बेचेगा तो पॉइंट नंबर वन के मुताबिक कैपिटल एसेट नहीं है, इसलिए वो कैपिटल गेन नहीं है। तो फिर क्या है वो, क्या है तुम बाहर जाके पूछो किसी से, इधर से निकलो, इस कमरे में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। दूसरा कमरा देखो कौन सा कमरा है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजी, अच्छा पीजीबीपी, तो पीजीबीपी में वो एंटर होगा। समझ रहे भाई साहब, तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। सरकार ने लिखने के बाद महसूस किया कि इसमें कमी आ गई, कॉमा लगाया और कॉमा लगा के लिखा रॉ मटेरियल। बताइए क्यों लिखा रॉ मटेरियल, यू कांट से स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड इन फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स इज सोल्ड, तो यू कांट से कि रॉ मटेरियल बेचने के लिए रखा था, स्टॉक इन ट्रेड बेचने के लिए रखा था, नहीं कह सकते तुम। बट अगर कल किसी मैन्युफैक्चरर ने बचा हुआ स्पेयर रॉ मटेरियल बेच दिया तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि शुड इट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन और पीजीबीपी, देन आंसर इज पीजीबीपी नॉट कैपिटल गेन, इसलिए उन्होंने कहा रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल एक्सेट्रा, पूरा फैक्ट्री उठा लिया। क्लियर हो गया आपको, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा, अच्छा बताइए कैपिटल एसेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसे बेचने पर कौन सा नेचर आता है, रेवेन्यू नेचर आता है, और रेवेन्यू नेचर कहां जाएगा, दूसरे जगह जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, कहां जाएगा जी, पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, अगला लिखा सरकार ने पर्सनल मूवेबल एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट, हर बढ़ाइएगा नहीं, जरा फील कीजिएगा, पर्सनल मूवेबल एसेट, अगर फील हो गया है तो एक उदाहरण पेश कीजिए। वॉच, इन्होंने कहा मेरी घड़ी, वेरी गुड, चश्मा, छोटे छोटे उदाहरण आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, कपड़े, कैलकुलेटर, मोबाइल, कार, घर, घर की टीवी या वो वाली टीवी, वो भी टीवी है, वो टीवी या घर की टीवी, घर में जो टेलीविजन है वो। सर ये क्यों नहीं, ये भी तो मूवेबल है, लेकिन पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस का है। कंप्यूटर कौन से, घर वाले, हाँ, पंखे कौन से, घर वाले, एसी, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, बेड, सब कुछ कौन से, घर वाले, ऑफिस वाले नहीं, ऑफिस के फर्नीचर बिके तो कैपिटल गेन होगा, ऑफिस के बिके तो कैपिटल गेन होगा। बताइए तुम्हारा पर्सनल जो मकान है, पर्सनल, वो कैपिटल एसेट है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि हम सो रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि मूवेबल है वो। पता है सर पूरी धरती घूम रही है, ब्रह्मांड घूम रहा है, तो मेरा मकान क्यों नहीं घूमेगा। सर हम जब एक बार इधर होते हैं ना तो बाकी पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, फिर पास में क्या है उससे मतलब नहीं है, ये देख इस पर ध्यान लगाना है, इस पर पर्सनल छोड़ दो। लेकिन तुमको टैक्स में मल्टी डायमेंशन विजन लेना पड़ेगा, चारों तरफ से तुम्हें घेर लेंगे एग्जाम में,
बचो कैसे बचते हो, उधर से मार रहे उधर से मार रहे, तो हीरो की तरह काम करना पड़ेगा। चारों तरफ देखते हैं, पता है पहले से हीरो को रहता है, पीछे से वार हो रहा है, ऐसे रोकता है। अब साउथ में हो या हॉलीवुड में हो या बॉलीवुड में, उससे क्या मतलब है भाई साहब। आप सब जगह देखें, ये तो साउथ को आपने बदनाम कर रखा है, सब जगह है, ऐसे रोकता है पीछे से हीरो, उसे मालूम है उधर से आने वाला है। आपको भी ऐसे ही मालूम होना चाहिए, आप इधर देखेंगे ये पटक देगा आपको। तो बताइए, जो घर के पर्सनल घर है आपका, वो कैपिटल एसेट है कि नहीं? तेरी आवाज कान तक नहीं आ रही है, लोग है नहीं है, है नहीं है, चीख बोल रहे ना, तू बोल। वो हाउस प्रॉपर्टी हुआ, हाँ हुआ, तो क्या करूं अब आगे? उसकी कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी में होगी, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि इसकी कैलकुलेशन कहाँ होगी, मैंने पूछा ये कैपिटल एसेट है कि नहीं। किसे कहते हैं कैपिटल एसेट? उसको कहते हैं या इसको नहीं कहते हैं? इसको नहीं कहते हैं, तो इसके अलावा जो है उसको कहते हैं। तो बताओ, तुम्हारा ये जो घर है वो इसमें आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा, तो कैपिटल एसेट है? है। इसने हल्के में ले लिया कि सर हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहे हो, अभी अभी खत्म किया है। देख, पहली क्लास नहीं लिया ना तूने? नहीं लिया, बहुत अच्छा किया तूने। इतने अच्छे बच्चे मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो डायरेक्ट सेकंड क्लास में आ जाते हैं, कहते फर्स्ट क्लास ऐसे की तैसे, उसमें क्या रखा। मैंने कहा भी कि फर्स्ट क्लास मेरा यूट्यूब पे ले लो। ना ना, आप हमें जानते नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुमको नहीं जानता, नहीं तो पिटाई करता तुम्हारी। क्या कर रहा हूँ मालूम, पहली क्लास पढ़ा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे वजह से। क्या करना है तुमको आज? फर्स्ट क्लास देखना है, हद हो गई। देखो ये फर्स्ट क्लास तुमने देखा था, देखो इस बूढ़ी माता पर क्या है, मकान है। इस पर क्या है? मकान है। और इस पर क्या है? मकान। लेकिन तीनों के हेड्स चेक करो, इसके हेड्स कहाँ हैं? अरे हेड मतलब वो नहीं, हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसका कहाँ है और इसका कहाँ है? लेकिन तीनों मकान हैं। तो क्या हम अपने दिमाग को इतने संकुचित रखेंगे कि मकान है तो हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन होगी? क्या ये शब्द उपयोग होगा? अगर मकान का रेंट है तो हाउस प्रॉपर्टी है, अगर मकान ही बेच दिया तो कैपिटल गेन, और मकान बेचने का अगर धंधा ही है मेरा तो पीजीबी। ठीक है साहब, अभी तक मैंने दो चीजें बताई जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। बताइए पहला नहीं माना जाता। अच्छा बताइए, ये नहीं माना जाता इसलिए, इसलिए इसलिए ऐसे लिखते थे ना, मैं भूल गया, चुकी तो ऊपर करते, इसलिए ऐसे लिखते थे ना, therefore, इसलिए ये कहां टैक्सेबल होगा? कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में होगा। बोलो बात समझ आई? अभी मैं कहां हूं, पहले में दूसरे में? पहले में हूं। स्टॉक को कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, इसलिए इसे बेचने पर पीजीबीपी इनकम होगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तुमने अपने घर का फ्रिज बेचा, घर का फ्रिज बेचा, कैपिटल गेन नहीं होगा क्योंकि कैपिटल एसेट नहीं है। कहां से होगा? तुम मुझसे मत डर, मैं यहां से कभी नहीं उठूंगा। वो पहले दो इंच पीछे खसका, पहले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? घर का फ्रिज अगर बेचेंगे तो कैपिटल गेन क्यों नहीं होगा भाई साहब? तो क्यों बोल रहा था, मना कर रहा था तू? अच्छा चल प्यार से पूछता, क्यों मना कर रहा था बेटा? अच्छा क्वेश्चन क्या है? होगा जो होगा वो देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? किसका? तूने अपना पर्सनल फ्रिज बेचा, तो बता वो पॉइंट वन टू में आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सनल तो है नहीं तेरा फ्रिज। अच्छा पर्सनल है, मूवेबल तो नहीं है? मूवेबल है, तो पर्सनल भी है मूवेबल भी है, तो वो कहाँ आ गया बेटा? सेकंड में आ गया। तो जो फर्स्ट सेकंड में आते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं माने जाते हैं, तो उसे बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। अब फिर से प्रश्न दोहराता हूं, बताओ घर के फ्रिज बेचे तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि वो इसमें नहीं आता। बोलता जा, अपने आप सीख जाएगा। इसमें आता है कि नहीं आता?
नहीं आता, क्योंकि वो पर्सनल नहीं है। पर्सनल है, मूवेबल नहीं है, मूवेबल भी है तो बेटा इसमें क्यों नहीं आता? आ तो रहा है इसमें, तो घबरा रहा है ना, घबरा मत। सब सोए हुए हैं, कोई उठेगा भी? ड्रॉप करूं इसका आज प्रोग्राम क्या? क्वेश्चन तो पूछूंगा वही, गाड़ी तभी बढ़ेगी आगे। घर का फ्रिज बेचेंगे तो वो कैपिटल एसेट है या नहीं? इधर देखो, फिर कैपिटल एसेट नहीं है तो उसे बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गेन कब होता है? जब कैपिटल एसेट बेचते हैं। घर का फ्रिज, घर की टीवी, घर का फर्नीचर, घर का एसी, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, इसलिए उसे बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कौन सी इनकम होगी? कौन सी इनकम होगी? क्यों सैलरी नहीं बताया तुमने? सैलरी कैसे होगी? हाउस प्रॉपर्टी, ऐसी बात कर रहे हो सर? पीजीबीपी सर, धंधा थोड़ी हमारा, और कैपिटल गेन आप मना कर रहे हो तो कहाँ जाएंगे? अदर सोर्स नहीं जाएगा। तो पहली क्लास तू चिंता ना कर, जिसने ली है वो कौन सा कुछ सही आंसर कर रहे हैं। देखो, जिसने पहली क्लास ली है उसको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ। देखो, इसे देखो, यहाँ शिक्षा तुमको ये मिलती है कि एक, दो, तीन और चार, यानी ये चारों जो ग्रीन एरिया से हाइलाइटेड हैं, ये किस नेचर की इनकम है? ओहो, और घर का फ्रिज तो हम रोज ही बेचते हैं, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? नहीं सर, नहीं सर, रोज नहीं बेचते। तो क्या फिर ये रेवेन्यू नेचर है? नहीं सर, नहीं है, नहीं है। तो क्या ये अदर सोर्सेज होगा? नहीं, नहीं सर, नहीं होगा। हमें लगा ना सर, अदर सोर्सेज मतलब कूड़ादान, जो कहीं नहीं आया फेंको उधर। बट अदर सोर्सेज ने कहा जरा हिसाब से, इज्जत से, हमारी भी कोई इज्जत है, ऐसे कुछ भी लेके आ जाते हो, रेवेन्यू नेचर है क्या? तुमने कहा नहीं जी, रेवेन्यू नेचर तो नहीं है। हाँ तो इधर से निकलो। तो इधर से निकले तो कहाँ जाए? आखिरी उम्मीद तुम थे, सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, पीजीबीपी नहीं, कैपिटल गेन ने भगाया, तुम्हारे पास आया, तुम कह रहे हो हमारे पास मत आना, अब कहाँ जाए? भाई साहब, जिस इनकम को जगह नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं होता। इनकम टैक्सेबल घर के अंदर बुलाकर ही होगा। अगर कोई इनकम घर के अंदर आ नहीं पाया तो वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। मौज कर मौज। तो बताइए, हम क्या कह रहे हैं? घर के फ्रिज को बेचा तो घर का फ्रिज कैपिटल एसेट है या नहीं? मेरे शब्द को सुनते हो? जैसे मैंने कहा नाम बताओ अपना, तो तुमने कहा दिल्ली। मैंने कहा कहाँ रहते हो? राम कुमार। तो तुमको हंसी आती है, तुमको इस चुटकुले पे हंसी आती है, लेकिन ये हंसी मैं कितना दबाता हूं तुमको क्या मालूम, क्योंकि तुम हमेशा ही हंसाते रहते हो मुझे। मैं कुछ पूछता हूं तुम बताते कुछ हो, सोचो मैं कैसे जीता हूं, अपनी हंसी कैसे रोक रखी है तुमसे। अभी मैं पूछूंगा कुछ, तुम बताओगे कुछ, अभी मैं क्या पूछ रहा हूं सुनो। हाँ, तो घर का फ्रिज बेचा, बताओ वो कैपिटल एसेट है कि नहीं? कैपिटल एसेट है कि नहीं? नहीं है। तो उसे बेचने पर कैपिटल गेन होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, क्या वहां कोई स्थान मिला उसको? नहीं मिला। तो अगर किसी हेड में इनकम क्लासिफाई नहीं हो पाई तो उसका क्या करना चाहिए? उसको नॉट टैक्सेबल करना चाहिए, यानी वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सर पक्की बात? हाँ पक्की बात। सर कोई इधर उधर तो नहीं है मामला, बता दो, क्योंकि ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि सरकार छोड़ दे हमारी इनकम को। मैंने कहा यार मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, चलो हम गवर्नमेंट से पूछते हैं, गवर्नमेंट ने इसे क्यों छोड़ा, पकड़ ही लेती। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो लोग कितना टैक्स देंगे, बेचारे, बेचारी जनता इतना टैक्स देते देखते कैसे बोझ के तले दबे जा रहे हैं, ना 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 ना, पर्सनल चीज़ों पर तो हम नहीं लेंगे टैक्स, इसलिए माफ़ किया, माफ़ किया। तो हमने कहा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपकी बात, माफ़ी करना है तो कर ही दो, मूवेबल पे माफ़ किया है सिर्फ, कुछ तो राज है। अगर तुमको पर्सनल माफ़ करना था तो मकान जमीन भी माफ़ कर देते, मकान जमीन तो कैपिटल एसेट है, पर्सनल है तो भी, सिर्फ मूवेबल पर्सनल माफ़ किया, कुछ तो लफड़ा है। गवर्नमेंट का ना नाम वैसे ही तू डाउट कर रहा है मेरे ऊपर, मैं तो जनता के भले के लिए। मैंने कहा ना जी सही बताओ। तब गवर्नमेंट ने मुझसे वायदे लिए कि किसी को नहीं कहिएगा आप ये बात, मैंने आज तक नहीं बताया। वाक्य बताता हूँ कि जो हुआ था
वो बात नहीं बताता जो गवर्नमेंट ने मुझे बताया। तो मैंने कहा ना जी मैं क्यों बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूं कि आपने इसे क्यों छोड़ा, सेकंड पॉइंट को क्यों छोड़ा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्यों छोड़ा हमको समझ में आता है, इस कमरे में नहीं मारोगे, दूसरे कमरे में तो मारोगे, मारना तो तय है, कमरा चेंज है, इसमें तो बिल्डिंग से ही बाहर कर दिया आपने, मारना ही नहीं है, तो डाउट होता है। गवर्नमेंट ने कहा देख जनता है बेवकूफ, बताना मत इनको। कैसे बेवकूफ जनता है, मैं कहता हूँ छोड़ दिया तो बड़े खुश हो जाते हैं। अबे खुश क्यों हो रहे हो, रोना चाहिए तुमको, फ्रिज को तो तुम भगवान से मनाओ कि कैपिटल एसेट माना जाए, बच गया कैपिटल गेन बच गया। अबे कितने में खरीदा था, मैं 40,000 में खरीदा, कितने में बेच रहा है, 90,000 में। करना ना बेचते तो सस्ते ही बिकता है, तो गेन आता भी है कभी, अबे लॉस ही लॉस आता है, मैं पागल हूं जो इसको हाथ लगाऊं। अगर हाथ लगाया, अगर मैंने कहा कि ये कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन गले पड़ जाएगा मेरे, लॉस, और दूसरे जगह से एडजस्ट करते रहो और टैक्स बचता रहे, किसी का लॉस एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसीलिए हमने जड़ से उखाड़ दिया। इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, नॉट कैपिटल गेन, नॉट टैक्सेबल, बाहर निकलो, खत्म करो, इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। और जब इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो लॉस काहे का टैक्सेबल होगा, यानी सरकार ने हमें चूना लगा दिया सर, बिल्कुल, ये तो गलत बात है बिल्कुल। और अचानक सरकार को पता चला, चूना लगाते लगाते खुद ही फंस गए, अचानक पता चला कि यार ऐसे में तो ज्वेलरी बच गई, फिल्टर तुमने इतना बड़ा लिया कि ज्वेलरी भी रह गई, भाई साहब अब ज्वेलरी बेच के तो कैपिटल गेन आना चाहिए क्योंकि उस पर तो प्रॉफिट आता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, पर्सनल मूवेबल, नॉट ए कैपिटल एसेट, नो कैपिटल गेन। तुरंत गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस फुल स्टॉप को हटाओ और कॉमा लगाओ और यहां लिखो एक्सेप्ट ज्वेलरी, और अब लगाओ फुल स्टॉप। ओ यानी ज्वेलरी इज मूवेबल, ज्वेलरी इज पर्सनल, इवन इट इज अ कैपिटल एसेट, गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि सारा गेम तुम खुद ही बना रहे हो रूल, इसमें तो तुम ही जीतोगे। गवर्नमेंट ने कहा तो जीतना भी हमको चाहिए, इनकम टैक्स ले रहे हैं, ऐसे ही लेंगे। तो ज्वेलरी मूवेबल है, पर्सनल है, फिर भी कैपिटल एसेट है, बाकी चीज़ें जो मूवेबल है पर्सनल है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं है डाउट, अगली क्लास में पूछोगे तुम, पूछना डाउट अगली क्लास में, सोच के आना और पूछना कि सर अगर सरकार ने पर्सनल मूवेबल को छोड़ा था इसलिए ताकि लॉस हम ना दिखा सकें, टैक्स ना बचा सकें, तो बिजनेस वाले टीवी को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि लॉस तो वहां भी आएगा, बिजनेस वाला टीवी कैपिटल एसेट है, उसे बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा। हम बताएंगे आपको, अभी बताएंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा क्या कि पर्सनल मूवेबल को छोड़ा है और ज्वेलरी को छोड़ा है कि नहीं, ज्वेलरी को नहीं छोड़ा है। फिर समय बढ़ता गया धीरे धीरे, 1998 की बात थी, और सरकार को अचानक खबर लगी कि ज्वेलरी के अलावा भी बहुत कुछ है जिसे बेचकर गेन आता है, जैसे ड्राइंग पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग जितना पुराना उतना कीमती, आपने किसी अच्छे चित्रकार की ड्राइंग खरीद रखी है, पेंटिंग खरीद रखी है, और अब आप बेच रहे हो, लाखों रुपए में बिक रहा है वो, कैपिटल गेन आना चाहिए, लेकिन सरकार फंस गई, क्यों, मूवेबल पर्सनल नॉट ए कैपिटल एसेट। तब सरकार ने इस कॉमा, इसको भी कॉमे में डाला और यहाँ पर भर दिया पूरा सब कुछ मिलाकर, हम बोलते हैं डी पी साज, ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स, ये सब कैपिटल एसेट है, ये सब कैपिटल एसेट है, ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स, ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, इधर बोलिए, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां, मूर्तियां स्कल्पचर्स, ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एंटिक पीस, एंटिक चीजें, वर्क ऑफ एनी आर्ट, ए फॉर आर्ट, वर्क ऑफ एनी आर्ट, विच काइंड ऑफ आर्ट, जैसे नरेंद्र मोदी की सूट बिक गई अभी 20 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में जाने, उसी तरह सचिन तेंदुलकर का बैट बिक गया, उस तरीके की चीज जो अपनी हैसियत के ऊपर में बिक रही है, दैट विल कॉल वर्क ऑफ आर्ट एंड इट इज अ कैपिटल एसेट। सचिन का बैट मैंने ऑक्शन में खरीद लिया, मान लो 10 लाख रुपए में खरीद लिया, और अब मैंने बात फैला दी कि मेरे पास है,
और कोई मुझे अप्रोच कर रहा है 15 लाख 16 लाख और मैंने बेच दिया, दैट इज माई कैपिटल गेन, दैट इज माई कैपिटल गेन. तो वर्क ऑफ आर्ट एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी फिर से हो जाए, ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स आर्कोलॉजिकल कलेक्शन वर्क ऑफ आर्ट एंड ज्वेलरी, ये इवन मूवेबल इवन पर्सनल फिर भी कैपिटल एसेट है. तो बताइए कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा. पहला SIT, मोटा मोटा तौर पे, मोटे मोटे तौर पे SIT जो नहीं माना जाएगा. दूसरा पर्सनल मूवेबल एसेट, लेकिन DP सांस माना जाएगा, इसे बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, इनको बेचेंगे तो नहीं आएगा, इनको बेचेंगे तो नहीं आएगा. तीसरी चीज सरकार ने कही, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, संभाल के काम करिएगा बेटा. इंडिया चाहिए हमको, एग्रीकल्चर चाहिए हमको और रूरल चाहिए हमको, समझ आई बात. तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर पास में ही कनॉट प्लेस में मैंने एक ज़मीन ली कुछ दिनों पहले खेती बाड़ी के लिए, ले ली, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है आपको? यहाँ क्लास के बाद उधर ही जाता हूँ, शाम में फिर खेती बाड़ी करके फिर घर, किसान हूँ भाई, नहीं छूटती खेती बाड़ी. हाँ तो बताइए, ये जो ज़मीन मैंने ली ना कनॉट प्लेस में खेती बाड़ी, अब मेरी मर्जी कहीं भी करूँ, सरकार को क्या. हाँ तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं, तो बताइए इसे बेचूंगा तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इस एक्सेप्शन में नहीं आता. तो कौन आता है इसमें? गांव में मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है, फैक्ट्री लगाया मैंने उसमें, बताइए उस ज़मीन को बेचूंगा तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं, क्या नहीं? इधर नहीं है, इधर नहीं, तो फिर कैपिटल गेन हाँ इधर होगा, क्योंकि मेरा क्या है गांव में जमीन है जिसमें फैक्ट्री लगाई है, तो कौन सी जमीन हो गई वो? एग्रीकल्चर है. ओ सर ऐसे था क्या, चलो कोई बात नहीं, फिर से पूछो. हाँ तो फिर से पूछ रहा हूँ, गांव में जमीन है, फैक्ट्री लैंड गांव में है बट फैक्ट्री लैंड है, बोलो कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन होगा. तो तुम्हें होश में लाना बहुत जरूरी था शुरुआत में, क्योंकि कैपिटल एसेट में बेहोशी में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कब गाड़ी निकल जाएगी, स्टेशन गुजर जाएगा, उतर नहीं पाओगे तुम, इसलिए जगाया. अभी बहुत आगे काम बाकी है, तो जगे रहना, तगड़ा काम चल रहा है. तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि शुरुआत में ही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, बट क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अभी तो फाउंडेशन तैयार हो रहा है. तो बताइए मुझे, SIT कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, डीपी सास है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, पाकिस्तान के गांव में मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, बेच दिया मैंने. सर एक मिनट, पाकिस्तान में बेचा है, उससे हमारा क्या लेने देना, क्यों नहीं लेने देना, मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में हूं, तुम पढ़ चुके हो रेजिडेंशियल स्टेटस, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते. हाँ आप ऑर्डिनरी हो, तब तो आपके बाहर की इनकम भी टैक्सेबल है. हाँ, और मैंने पाकिस्तान के गांव में एग्रीकल्चर लैंड था उसे बेचा. सर वो कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन लगेगा, लाओ दो कैपिटल गेन दो. माफ कर देना भाई, इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा इसमें, नहीं चाहिए इंडिया गांव एग्रीकल्चर, तीन चीजें चाहिए, इंडिया गांव एग्रीकल्चर, क्लियर है पक्का? अच्छा चौथा और आखिरी, सर चौथा ही आखिरी, हाँ इन चारों को छोड़ दो बेटा, बाकी हर चीज कैपिटल एसेट है. चौथा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड. फिर से बोलिए सर. फिर से बोल के क्या होगा, समझ में तो आएगा ही नहीं, फिर से भी तो वही बोलूंगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड. लोग फिर से बोल दिया सर, तो मतलब, हाँ मतलब पूछो ना, मतलब बता रहा हूँ. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, सरकार ने कहा देखो जी तुम्हारे पास बहुत सोना है. हाँ है तो, कोई काला धन का है क्या, मेहनत की कमाई है. हाँ है तो, गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सोना है. हाँ तो ठीक है, तो प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो आपके लॉकर में पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है. तो हो रहा हो तुमसे मतलब, लॉकर के रेंट फालतू में जा रहे हैं. अरे काम की चीज़ बोलो ना भाई, वो हमें सोने की बहुत ज़रूरत है. वो तो तुम सोते ही रहते हो. नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये वाले सोने की जरूरत है, ये जो आपके पास है ना गोल्ड, उसकी ज़रूरत है. क्या करोगे तुम? देखो गोल्ड को गिरवी रखेंगे, नए नए करेंसी छापने हैं ना हमको, तो गोल्ड को उससे इक्विवेलेंट गिरवी रखना पड़ेगा. फिर जब हम बाहर से लोन लेते हैं तो गोल्ड को दिखाना पड़ता है गिरवी के रूप में, तभी बात बनती है. अरे गोल्ड की ज़रूरत है भाई, तुम दो ना अपना गोल्ड. अच्छा नहीं बेचना है हमको. अरे बेचने की बात नहीं कर रहे, वैसे दे दो. अच्छा वैसे कैसे दे दें?
आप डरो मत, आप पे कितना सोना है कोई 4 किलो? हाँ तो 4 किलो सोना हमको दो, हम आपको एक कागज पे लिख दे देंगे 4 किलो सोना और हम ये आपको दे देंगे। और क्या पागलपन है? पागलपन नहीं है, सरकारी मोहर है, मजाक नहीं कीजिए आप। मतलब ये 4 किलो सोना है भाई साहब, ये बॉन्ड है, बॉन्ड ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, 4 kg gold। 4 साल 5 साल बाद जब ये रिडीम होगा तो उस समय जो सोने का भाव होगा उस रेट से आपको पैसा मिलेगा। एक तरह से समझिए लॉकर में ही पड़ा है, लॉकर का रेंट बचेगा, घर में रख सकते हो, कागज है, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं। 4 किलो सोना कैरी करके देखो तो पता चलेगा कितनी सिक्योरिटी चाहिए तुमको। इसमें कुछ भी नहीं है, अगर गिर गया गलती से तो आपको पड़ोसी के भाई से कुछ गिर गया क्या गिरा होगा, उनको क्या मालूम क्या इसके अंदर 4 किलो सोना, 4 kg gold। बॉन्ड है बॉन्ड, आप गोल्ड दो हम आपको बॉन्ड देते हैं। आपने कहा वो सब ठीक है लेकिन हम ऐसा क्यों करें, हमको इसमें क्या फायदा मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा इस पे कितना परसेंट? मामूली सा, कितना? फिर भी 1.5-2%। अरे 1.5% नहीं चाहिए हमको भाई। अच्छा लेकिन हमको तो चाहिए, ऐसा है ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा आज से, अब बताओ। नहीं 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 समझे नहीं, फिर से बताइए बेटा। जो 4 किलो सोना था ना, हाँ वो तेरे दादाजी ने खरीदा था, याद है तुझे? हाँ याद है, बहुत पुराना है। हाँ हाँ कितने में खरीदा था? कॉस्ट मालूम है? तो बहुत सस्ता था उस समय तो 70-80 हज़ार रुपये में सब आ गया था, और अब बेटा कीमत है करोड़ों। हाँ है तो फिर सोच ले, आज 1 करोड़ कीमत है, 4 किलो सोना है तेरे पे 1 करोड़। सोच बेचेगा तो कितना बड़ा कैपिटल गेन आएगा, बिक जाएगा पैसा देते देते, कितना बड़ा कैपिटल गेन आएगा सोच। 1 करोड़ में बेचेगा और कॉस्ट कितनी? 70-80 हज़ार, 1 लाख, 99 लाख तेरा कैपिटल गेन आएगा, कितना टैक्स आएगा सोच। उसने हाँ बहुत आएगा सोच। अगर वही 4 किलो मुझे दे दे और मैं तुझे ये दे दूं और ये अगर तू बेचे तो ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, बिकेगा उतने में ही। गोल्ड बेचा तो कैपिटल एसेट टैक्स, ये बेचा तो कैपिटल एसेट नहीं। इस बात को जैसे ही लोगों ने समझा भाई साहब मारपीट की नौबत आ गई, बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगने लगी। 1999 में हुआ था ये पहले, 99 में लंबी लंबी कतारें 1-1 किलोमीटर तक जा रही है। हमको गोल्ड जमा करके बॉन्ड चाहिए, क्यों? गोल्ड बेचेंगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा, टैक्स लगेगा, और बॉन्ड बेचेंगे तो नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, हमको बॉन्ड ही चाहिए, बेटी की शादी में यूज़ करेंगे इसको, बेटे के शादी में यूज़ करेंगे इसको, बच्चे के पढ़ाई पे यूज़ करेंगे इसको, अभी से जमा कर रहे हैं। नहीं नहीं हमको बॉन्ड चाहिए, तो गोल्ड जमा कीजिए, इसीलिए नाम है इसका क्या? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट कीजिए और बॉन्ड ले जाइए, बात आई समझ में? तो सर आजकल है क्या ये स्कीम? 99 में था वो, तो अभी होता तो हम सजेस्ट करते लोगों को। अभी फिर 2016 में उन्होंने इशू किया, फिर से इशू किया बॉन्ड, अभी फिर पिछले साल उन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर इशू किया बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, नाम अलग रखा। नाम उन्होंने गोल्ड डिपॉजिट नहीं रखा, नाम अलग रखा। नाम क्या रखा सर? डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, मोनेटाइजेशन मतलब प्रचलन, कस्टम। डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो मतलब कि चलन से हट गया, तो ये चलन में है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और उसके अंतर्गत इशू किया हुआ बॉन्ड इज कॉल्ड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो वी कैन ऑल्सो कंसीडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एनी बॉन्ड एनी सर्टिफिकेट विच इज इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज कॉल्ड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो कुल मिला के आपको थीम समझ आया, गोल्ड रखिए, बॉन्ड ले जाइए, इसे बेचिएगा तो कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल सेट नहीं। 4 चीज़ों को छोड़कर बोलिए कौन कौन सी चीज़? स्टॉक एंड ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट एक्सेप्ट डीपीसाज। मतलब क्या? डीपीसाज कैपिटल एसेट है, डीपीसाज कैपिटल एसेट है, डीपीसाज कैपिटल एसेट है। तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, उसे बेचा तो कैपिटल गेन, उसे बेचा तो कैपिटल गेन नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बेचा तो कैपिटल सेट
है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा दो कैपिटल है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा दो कैपिटल नहीं है। तीसरा, चौथा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, यानी गोल्ड जमा करके बॉन्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट वगैरह आपने लिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिया, तो कैपिटल एसेट नहीं है, उसे बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ गए? पक्का समझ गए? पक्का समझ गए? बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो अब एक बात बताइए, एक आदमी ने 5000 शेयर बेचा है, शेयर समझते हो? मुझे लगता है सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के बेइज्जती मारते रहते हो, अब शेयर नहीं समझेंगे क्या? मतलब समझते तो नहीं होगे, सुना हुआ होगा, समझ कहाँ देखा तुमने? पापा के पास है शेयर? कहाँ? डीमैट अकाउंट में? अच्छा, तो देखा तुमने? भाई साहब समझता है, तो चलो चलो हो जाए, समझदारी की बातें करते हैं। 5000 शेयर बेचा है, बताओ इसे बेचने पर जो इनकम आएगी वो कौन सी इनकम है? जल्दी मत मचाना। बताओ बताओ किसने? मैंने बेचा, तुमको क्या मतलब? कोई भी बेचे, काम काम से मतलब रखो, किसने बेचा क्या मतलब तुम्हारा? बोलिए आप कौन हो, बताइए। मुझसे पूछ रहा है आप कौन हो? मैं तुझे पढ़ाता हूँ, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? सर आप इन्वेस्टर हो कि शेयर ट्रेडर हो? दिमाग ना खराब करो हमारा, हम सब समझ रहे हैं आपके बेलानी फुसलाने को। अब तुम देखो, ये जो तुमने आंसर दिया है, मैं फाइनल में जो मैंने क्लास ली, आप इंटर में हो, फाइनल में क्लास ली और मैंने ये प्रश्न पूछा और उत्तर गलत आया और आपका उत्तर सही आ रहा है। रोशन ने सबसे पहले पीछे से उत्तर पूछा कि अगर डेली बेचते हो क्या, बताओ पहले। ये सिर्फ जिंदा रहने से होता है, दिमाग में कहीं कमी नहीं होता लोगों के, जीवित रहना ही मुश्किल है, जीवन ऐसे चलता रहता है। आप अगर जीवित रहे तो आपके दिमाग का कोई मुकाबला नहीं, और यही समझाने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। अरे तू समझता नहीं है, जैसे मान लो कि मैंने रोज बेचा तो वैसे क्या? बहुत सिंपल है, आप इन्वेस्टर हो सर? हाँ मैं इन्वेस्टर हूँ। तब तो सर इसे बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा। अरे नहीं मैं तो शेयर ट्रेडर हूँ, शेयर बेचने खरीदने का काम है, तब PGBP इनकम है सर, सीधी बात करो ना। बहुत सुंदर उत्तर है। अब सुनिए, हमारे देश में आए एक FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आजकल इनका ट्रेंड बदल गया, इसलिए लोग इसको बोलने लगे हैं। ट्रेंड बदलते रहते हैं ना, चीजें बदलती। FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कुछ भी नाम हो, इनके साथ पंगा हुआ। अब जब ये शेयर में, इनका काम क्या होता है, ये विदेशी निवेशक होते हैं, बाहर की कंपनियां होती हैं जो हमारे शेयर बाजार में सेबी के परमिशन से एंटर होके शेयर खरीदते बेचते हैं। इनका काम सिर्फ शेयर में पैसे लगाना है, ये शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, ठीक है। ये होते हैं बाहर के, और हमारा शेयर बाजार अगर हम अभी पीछे बात करें, कुछ सालों से बात करें, तो 30-40% शेयर बाजार का जो शेयर है वो इनके हाथ में है, ये डील करते हैं। इतने ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं, विदेशी निवेशक, तो ये शेयर खरीदते बेचते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनको पकड़ लिया और कहा कि भाई साहब आपकी ये PGBP इनकम है। इसने कहा लेकिन मेरी तो ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में टैक्स रेट है, लिस्टेड शेयर पर अगर आप बेचते हैं तो 10% है, और अगर शॉर्ट टर्म आता है तो 15% है, लॉन्ग टर्म आता है तो 10% है। जो लिस्टेड शेयर होता है बाजार में, शेयर बाजार, उसके शेयर को अगर आप बेचोगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया होगा, नहीं बताया तो बताता हूँ। जो लंबे समय रखोगे लॉन्ग टर्म, जल्दी बेच दोगे शॉर्ट टर्म, तो उसका टैक्स रेट 10% और 15% है। लेकिन अगर इसे PGBP में डाला तो फॉरेन कंपनी है हम, 40% टैक्स रेट है। तो बताइए इनकम टैक्स ऑफिसर क्या इसे ट्रीट करवाना चाहता होगा? PGBP। और जो ये लोग होंगे ये क्या कहते होंगे? अरे भैया कैपिटल गेन है, कैसी बात कर रहे हो? लेकिन भाई साहब ये आप तो 2-4 दिन पे बेच डालते हो। हाँ वो तो सच है, 2-4 दिन पे तो बेच ही देता हूँ, एक बार फिर खरीदता हूँ फिर बेचता हूँ। इतने फ्रिक्वेंटली खरीद बेच करते हैं साहब, मन नहीं मानता कि इसे इन्वेस्टमेंट माना जाए, ये PGBP होना चाहिए।
इसने कहा वैसे ये मन से चलता है या कानून से? तेरा मन नहीं मान रहा, कोई नियम कानून तेरे किताब में है? इनकम टैक्स ऑफिसर ने नियम कानून पलटा, कहीं कुछ नहीं मिला। एक जगह CBDT ने लिखा था कि देखिए शेयर इन्वेस्टमेंट की तरह है या स्टॉक की तरह, ये तो रखने वाला ही जानता है, तो वो जो कहे वो मान लीजिए। लेकिन उस लाइन में आगे लिखा था कि लेकिन अगर बहुत ज्यादा खरीद बेच करे तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, यानी वो भी कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजन का रिजल्ट झगड़ा। ये लोग कह रहे हैं मेरा कैपिटल गेन, इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है मेरा PGBP। इन्होंने कहा भी बताता हूं तुझे, तू इनकम टैक्स ऑफिसर को कभी बताता हूं, सीधा सरकार के पास पहुंचे कि हम एक दो नहीं है भारी मात्रा में, कहो तो निकले, चाहते हो यहीं रहे, चाहते हो हर साल इन्वेस्ट करें, तो रोक लो इस आदमी को, आए दिन मुझे छेड़ता रहता है, कहता है ये PGBP 40% टैक्स, ये कोई तरीका है? जब और मेरा नाम तो देखो, नाम में छुपा हुआ है सब कुछ, क्या है इस आई का मतलब? इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं भाई, एवं PGBP आए दिन परेशान करता रहता है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तू चिंता ना कर, ऐसा सीधा करूंगा इसको कि दोबारा नहीं बोलेगा। और तब सरकार ने सिर्फ इनके लिए क्या लिखा मालूम, कि अगर ये शेयर को स्टॉक की तरह रखें तो भी कैपिटल एसेट। झगड़ा तो ये था कि ये स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट है, सरकार ने कहा अगर स्टॉक, ये बोला ना खुद से भी कहा ना कि स्टॉक तो भी कैपिटल एसेट, जा झगड़े का स्कोप ही खत्म कर दिया। इट मींस ऑलवेज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब भी अपनी सिक्योरिटी को बेचेंगे तो कौन सी इनकम आएगी बताना? कैपिटल गेन आएगा और कुछ नहीं आएगा। बात समझ आ गई? बोली बताइए क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं माना जाता? SIT में एक पॉइंट क्या याद रखिएगा कि FII FPI का जो SIT है वो कैपिटल एसेट है, ठीक। दूसरा, हाँ वो रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। दूसरा पर्सनल मूवमेंट, इसमें क्या याद रखिएगा एक चीज कि DP SAS जो है वो कैपिटल एसेट है। तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन, मेरा प्रश्न है कि क्या है ये, मतलब क्या? गुड़गांव, पहलगांव, जहां पॉपुलेशन कम हो। कम किसका, तेरा कि मेरा? तेरे दिमाग का कम क्या है? 5,000, मेरे दिमाग का कम है 1,00,000। कम मतलब क्या, किसका कम? कम से क्या होगा तुम्हें बताना पड़ेगा, कितना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ कम से बात नहीं पड़ेगा, कम तुमने ठीक बोला, 100% सही है तुम्हारा उत्तर, लेकिन हमको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने परिभाषित किया अर्बन एरिया, ना 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 रूरल एरिया नहीं, अर्बन डिफाइन है। रूरल खुद देख लो, कैसे देखेंगे जो अर्बन में नहीं आता। अर्बन एरिया डिफाइन किया कि ये अर्बन एरिया माना जाएगा अगर इस अर्बन एरिया, अगर ये अर्बन एरिया किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है। एरिया विच इज लोकेटेड अंडर एनी म्युनिसिपैलिटी हैविंग 10,000 और मोर पॉपुलेशन इज कॉल्ड अर्बन एरिया। इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो सर? लास्ट बैच तक तो नहीं जाता था, लेकिन क्या करें, ऑब्जेक्टिव ने डरा रखा है तो हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट सब पकड़ेंगे, नहीं तो FPI FII क्या करोगे पढ़ के? ऑब्जेक्टिव पूछ दे, तंग करेगा, फिर फंस जाएंगे। अभी इसमें क्या है, एरिया सिचुएटेड इन म्युनिसिपैलिटी इज नॉट अर्बन एरिया, एरिया सिचुएटेड इन म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन 10,000 और मोर देन अर्बन एरिया। यानी ये एरिया एक म्युनिसिपैलिटी में आता है, वहां की आबादी 6,000 है, इट इज नॉट अर्बन एरिया। ये एरिया म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता, गांव में आता है। पॉपुलेशन 20,000 है, नॉट अर्बन एरिया। अभी बताएंगे, अर्बन एरिया मींस एरिया विच इज कवर्ड लोकेटेड अंडर म्युनिसिपैलिटी वेयर पॉपुलेशन मस्ट बी 10,000 और मोर। और आपकी बात मैं करूं, पूरे देश में मैं जानता हूं एक भी म्युनिसिपैलिटी ऐसी नहीं है जहां की आबादी 10,000 से कम है।
लेकिन एग्जाम में ये तो ये लिखने क्या, एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा वो तो पूछेगा एरिया जो म्यूनसिपालिटी में आता है वो अर्बन है, एरिया जहाँ की आबादी 10,000 से ज़्यादा है वो अर्बन है, एरिया जो म्यूनसिपालिटी में आता है या 10,000 से ज़्यादा है वो अर्बन है, एरिया जो म्यूनसिपालिटी में आता है प्लस साथ साथ 10,000 से ज़्यादा है वो अर्बन है, तो चौथा टिक करना है हमको। इतने बारीक डिस्कशन में जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऐसा अर्बन एरिया म्यूनसिपालिटी वाला नहीं है जहाँ पर 10,000 से कम आबादी हो, कहीं नहीं है इंडिया में। तो बेटा क्या हुआ अर्बन एरिया बोलना? एरिया लोकेटेड इन म्यूनसिपालिटी के अलावा। कभी कंटोनमेंट बोर्ड का नाम सुना है तुमने? कंटोनमेंट बोर्ड सुना है? सुना है। सैनिक छावनी, हाँ छावनी सुना है हमने, छावनी कहीं कहीं हमने सुना था बचपन में, कहीं कानों में तो गया है, ऐसा सुना हुआ ऐसा लग रहा है। अच्छा दिल्ली कैंट, हाँ सर आगरा कैंट भी सुना है, अंबाला कैंट भी सुना है। हाँ वो कैंट नाम पड़ा क्योंकि वो कंटोनमेंट बोर्ड में आता था। सैनिक मतलब वहाँ का जो कंट्रोल है, जो साफ सफाई है, जो मेंटेनेंस है, वो किसी कंटोनमेंट बोर्ड को दिया गया था। म्यूनसिपालिटी का यही काम है इसका डेवलपमेंट करना, तो कंटोनमेंट बोर्ड भी कई जगह इसका जिम्मा लेती है, कंटोनमेंट बोर्ड भी कई जगह इसका जिम्मा लेती है कि ठीक है हम जिम्मा लेते हैं, हमारे ऊपर छोड़ दो इसको। कंटोनमेंट बोर्ड इट इज़ ऑल्सो कवर्ड अर्बन एरिया। तो एरिया विच इज़ लोकेटेड इन, पॉइंट बाई पॉइंट याद करा रहा हूँ, एरिया लोकेटेड इन म्यूनसिपालिटी और कंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनसिपालिटी और कंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन 10,000 एंड मोर, धीरे धीरे करके पहुंचाया तुमको वहां तक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो दिमाग खराब करेगा हमारा। एरिया विच इज लोकेटेड इन, और अभी झगड़ा इतना चल रहा है कि वार्ड सख्त होंगे, कहेंगे अच्छा तू ऑब्जेक्टिव मांग रहा था ना ये ले, अभी झगड़ा चल रहा है इंस्टीट्यूट से, तो ऑब्जेक्टिव मांग रहा था ना, हाँ डिमांड थी ना तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की, हाँ डिमांड है ऑब्जेक्टिव ले, तो अभी तो गुस्सा दिखाएंगे तो हमको तो पूरी तैयारी करके चलनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत टफ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव मुश्किल होगा। तो अर्बन एरिया मीन्स एरिया विच इज लोकेटेड इन म्यूनसिपालिटी और कंटोनमेंट बोर्ड वेयर पॉपुलेशन इज 10,000 और मोर। हो गया साहब, हाँ ये हुआ अर्बन एरिया। अब है डीम्ड अर्बन एरिया, ये एरिया जो उसके चारों तरफ फैला हुआ है थोड़ी दूर तक, थोड़ी दूर तक, उसको कहते हैं डीम्ड अर्बन एरिया। बड़ा सिंपल है भाई साहब, लॉजिक सोचिए। अर्बन एरिया रूरल एरिया का सिर्फ ये मतलब है कि जहां पर जमीन की, देखो ना हम एग्रीकल्चर लैंड को एग्जम्प्ट नहीं कर रहे। अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड को एग्जम्प्ट करूं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर अर्बन और रूरल, हमने रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एग्जम्प्ट किया जिसका रेट कम होता है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का तो गजब का रेट होता है, तो उसको तो टैक्सेबल करने का मूड है। अब आप बताइए ये शहर है तो माना कि इसके चारों तरफ गांव बसा है, लेकिन शहर का कल्चर, शहर की बोली भाषा, खान पान, कपड़े पहनने का तरीका, और शहर से आसपास के एरिया में शहर का प्राइस इफेक्टेड होगा। शहर के बिल्कुल करीब वाली जमीन है, 2 किलोमीटर के अंदर है, चलेगा तुमको? आपने कहा बिल्कुल चलेगा, शहर से 2 किलोमीटर चलेगा, बट लेकिन वो गांव है, अरे कोई बात नहीं चलेगा, मतलब वो भी वैल्यू रखता है। इसलिए गवर्नमेंट ने डीम्ड अर्बन एरिया भी बना रखा है, अगर तुम्हारी जमीन यहाँ लोकेटेड है तो भी वो कैपिटल एसेट है क्योंकि वो अर्बन एरिया है। रूरल एरिया मीन्स अदर देन अर्बन, अदर देन डीम्ड अर्बन, या वी कैन से अर्बन एरिया मीन्स वन इज प्योर अर्बन एंड अनदर इज डीम्ड अर्बन, बोथ आर कॉल्ड अर्बन, इट इज प्योर अर्बन एंड इट इज डीम्ड अर्बन। सर लेकिन ये कितनी दूरी जाना है ये तो बता, अरे ये इसमें कुछ नहीं रखा, पहले कंसेप्ट तो पकड़ो, दूरी देख लेंगे, कंसेप्ट तो तुम्हारे पकड़ में आया ना कि हाँ उसके आसपास भी थोड़ा सा फैलाव होना चाहिए, थोड़ा एक्सटेंशन होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे, यहाँ तक ठीक है, बोलो बेटे। तो अर्बन एरिया प्योर अर्बन और उसके साथ साथ डीम्ड अर्बन। अब डीम्ड अर्बन कितनी दूर तक जाए सर, कुछ तो बताओ हमको कितनी दूर तक जाए, बिल्कुल बताते हैं साहब। आबादी अगर इस अर्बन एरिया की 10,000 से तो ज़्यादा ही होगा भाई, क्या बोलते हो?
दस से कम में तो वो अर्बन ही नहीं बनेगा, 10,000 से 1,00,000 तक है। तो 2 किलोमीटर चारों तरफ इस डीम्ड अर्बन, अप टू 2 किलोमीटर, तो कितना फैलाव आया, 2 किलोमीटर। अगर आबादी 10,000 से 1,00,000 तक है तो कितना फैलेगा, 2 किलोमीटर, ठीक। अगर आबादी 1,00,000 से 10,00,000 तक है तो 6 किलोमीटर, और 10 के ऊपर है तो 8 किलोमीटर। खत्म करें, क्या बोला मैंने, अगर 1,00,000 तक है तो 2 किलोमीटर, 10,00,000 है तो 6 किलोमीटर, 10 के ऊपर गया तो 8 किलोमीटर, बस इतना ही। अब थ्योरी के चक्कर में, वो ऑब्जेक्टिव के चक्कर में मामला फंसेगा, ये किलोमीटर किलोमीटर करके बहुत खेलेंगे वो, ठीक। और सुनिए, जब बात निकली है तो इसको सुनी लीजिए। देखिए भाई साहब, माना कि ये है आपका अर्बन एरिया, सपोज कीजिए प्योर अर्बन, प्योर सर, प्योर अर्बन मतलब सर, सर यहाँ की आबादी म्यूनसिपलिटी में आता होगा, हाँ, और आबादी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो सर आबादी बता ही दो ना, बता देता हूँ, आबादी है 3,00,000 सर, समझे, 6 किलोमीटर तक फैल जाएंगे सर, मतलब सर ये तो अर्बन है ही, इसके चारों तरफ 6-6 किलोमीटर भी अर्बन है। अब मैंने यहाँ की ज़मीन बेच दी, ये ज़मीन देख रही है तुमको, ये ज़मीन दिख रही है, ये खेती बाड़ी की ज़मीन है सर, खेती बाड़ी से क्या होता है, रूरल एरिया में होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ये अर्बन में है कि रूरल में, ये तो तुम देखो भाई, ये ज़मीन मैंने बेच दी, अब तुमको बताना है कि कैपिटल गेन है या नहीं। आपने कहा कैपिटल गेन बाद में देखेंगे, पहले ये देखें कि ये अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है, कैपिटल गेन बाद की बात है, पहले अर्बन है कि रूरल, ये बताइए। मैंने कहा ये वैसे तो गाँव में आता है लेकिन ये शहर के पास है, हाँ तो शहर के पास है तो सर हमको दूरी बताओ, दूरी अगर ये 6 किलोमीटर के अंदर है तो खींच लेंगे इसको सर, तो जल्दी बताओ दूरी। मैंने कहा दूरी, अच्छा पूछा तुमने, दूरी कैसे जाओगे, कैसे जाएंगे का क्या मतलब सर, नहीं मतलब बाय रोड जाना चाहो, और कैसे जाता आदमी, ओके तो रोड भाई साहब ऐसा है ना कि यहाँ से यहाँ के लिए फिर ऐसे और फिर ऐसे गया है, 12 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है सर, हाँ सर एक बात बताओ ये इधर से क्यों नहीं जाता है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये पहाड़ है ना इसके बीच में ऐसे, ओ या नदी है, नदी, ओ अच्छा अच्छा, तो इधर स्ट्रेट रास्ता नहीं, पहाड़ है, अच्छा इधर से जाता है, ओके और बताओ भाई, ट्रेन पूछना है तो बोलो, ट्रेन का तो इधर से रास्ता भी नहीं है, ट्रेन इधर जाओगे यहाँ से एक पकड़ोगे फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे, कैसे जाना तुमको, एरोप्लेन इधर जाता नहीं। लॉ ने लिखा है कि शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, पहाड़ तोड़ते हुए जाओ, अब बताओ कितने किलोमीटर, ये तो 4 किलोमीटर नहीं पड़ रहा है, हाँ लाओ कब्जे में लाओ, ये अर्बन है, तो कौन सा डिस्टेंस देखना है, एरियल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, ऐसे तंग करेगा ना ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मेरी मजबूरी है, क्या करें। अब जाकर आपने कैपिटल एसेट समाप्त किया, ठीक है, आपका पता नहीं, मुझे तो आनंद आया क्योंकि आपने सही तरीके से पार्टिसिपेट किया। अभी हम एक काम करते हैं, बुक निकालते हैं, और बुक में इस चीज़ को क्यों नहीं लिखवाया, आपने सर लिखवाया क्यों नहीं वो देखते हैं। आइए बेटा, अभी हम ये सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं बताकर चल रहा हूँ, अभी ये नहीं पढ़ेंगे, अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ चुके, ये पढ़ेंगे। क्या लिखा है बेटा सेक्शन, बोलो, 2.14 कैपिटल एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की जो टैक्स पेयर ने रखा है अपने पास, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। फिर से पढ़ूं, कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की जो एसएससी ने रखा है, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना, लेकिन निम्नलिखित नहीं आएगा, पहला स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल पर्सनल नहीं आएगा, एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया नहीं आएगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं आएगा, ये चार नहीं आएंगे। चारों को थोड़ा डिटेल में चलें,
स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। मतलब हुआ कंज्यूमेबल स्टोर, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल जो बिजनेस प्रोफेशन के लिए रखा है वो नहीं आएगा। एक्सेप्शन मतलब आएगा, अगर सिक्योरिटी FII या FPI ने रखा है तो हमेशा हमेशा वो क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट। पर्सनल इफेक्ट कहने का अर्थ, दैट इज टू से कहने का अर्थ, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ SSE या उनके फैमिली मेंबर जो उन पर निर्भर है। लेकिन ये क्या नाम दिया था बेटा इसका हमने, काम आएगा अदर सोर्सेज में, इसलिए इसको DP SAS से ही बुलाना है। DP SAS काम आएगा अदर सोर्सेज में, गिफ्ट जब पढ़ेंगे तो, इसलिए इसको DP SAS के नाम से ही बुलाना है। DP SAS ड्राइंग प्रिंटिंग स्कल्पचर्स आर्कोलॉजिकल कलेक्शन वर्क ऑफ आर्ट एंड ज्वेलरी। ये कैपिटल एसेट है या नहीं है बोलो, है। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग सिचुएटेड इन, मतलब लिखा ऐसे है लॉ में, नॉट बीइंग सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। अरे बोलना क्या चाहते हो, रूरल एरिया, द रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो 1999 में इशू हुआ था, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो अभी इशू हुआ है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अकॉर्डिंग। ज्वेलरी में क्या क्या आता है ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ो चाहो तो मत पढ़ो, मतलब ऑर्नामेंट्स भी है, बार भी है, बिस्किट, गोल्ड बिस्किट है, हर चीज़ आता है। अगर आपने इवन घड़ी सोने की खरीदी है तो भी वो भी आएगा। आपने अगर कुछ कपड़े बनवाए हैं जिसमें गोल्ड के बटन लगवा दिए तो वो भी आएगा, और अगर आप अलग से नहीं बता पाए तो पूरा कपड़ा ही ज्वेलरी बन जाएगा। अगर कोट के बटन गोल्ड के हैं और मैं उसका उसकी वैल्यू अलग से नहीं बता पा रहा हूँ तो पूरा कोट ही ज्वेलरी बन जाएगा। मैंने एक कुर्सी बनवाया था जिसके यहाँ पर आर्म रेस्ट के समय मैंने यहाँ पर लगवा रखा है जड़ी बूटियाँ, मतलब चमकते चमकते सितारे। तो ऐसे केस में गोल्ड है, इसमें डायमंड है, हीरे पन्ने ऐसे जड़े हुए हैं, कॉस्टली। अगर मैं इसको सेपरेट बता पाता हूँ वैल्यू तो दैट वैल्यू इज ज्वेलरी, नहीं बता पाया पूरा फर्नीचर इज ज्वेलरी। अब प्रश्न है कि घर में जो बर्तन है, बर्तन चांदी के बर्तन हैं घर में, उसे ज्वेलरी बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि चांदी और सोना दोनों ज्वेलरी है, तो चांदी के बर्तन ज्वेलरी हैं कि नहीं, आंसर है नो, आंसर है नो। तो सोने की थाली है हमारे पास, वो ज्वेलरी है, चांदी के बर्तन नहीं है, सोने के बर्तन है। सर ऐसा क्यों, चांदी के बर्तन कस्टम है, सोने का बर्तन कहाँ देखा तूने, फालतू में ठग रहा है, ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहा है और जानबूझ के ग्लास कटोरी थाली सब सोने की खरीद रहा है ताकि उसे जब बेचेगा तो कैपिटल सेट नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बेवकूफ़ बनाता है। चांदी में खाने का रिवाज है, सोने के बर्तन में कहाँ रिवाज है खाने का, झूठ बोल रहा है, गड़बड़ कर रहा है तू, इसलिए वो कैपिटल एसेट है। अच्छा तो चांदी नहीं है ना, हाँ चांदी नहीं है तो मैं चांदी बहुत खरीद के रखता हूँ, अरे चांदी के बर्तन बोले मैंने, कटोरी चम्मच थाली उसकी बात कर रहा हूँ, चांदी के अगर आभूषण है वो तो ज्वेलरी है, चांदी के गोल्ड बार हैं वो तो, गोल्ड कह रहा हूँ मैं, बार हैं, सिल्वर बार है तो वो तो ज्वेलरी है। तो ठीक है मैंने कोई बात नहीं, मैं चांदी के कृष्ण भगवान खरीद के लाऊंगा बेटा, वो ज्वेलरी है। ऐसे कैसे, चांदी के कृष्ण भगवान तो खरीदेंगे ना भाई साहब, हम दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी चांदी के खरीदेंगे तो सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि वो ज्वेलरी ना हो बेचते समय और कैपिटल गेन ना लगे। सरकार ने कहा देख भगवान मिट्टी के चलते हैं, बाकी सब तेरा ड्रामा है। गणेश जी और लक्ष्मी जी मिट्टी के खरीद के लिया दीपावली में है, और चांदी के खरीदेगा ना कैपिटल एसेट है, बता दूं तुझे, दिया भी चांदी का है ना तो कैपिटल एसेट है। यानी अगर पूजा पाठ की सामग्री आपने चांदी की खरीदी है तो वो कैपिटल एसेट है। सिर्फ हमने यूटेंसिल्स मना किया, यूटेंसिल्स बर्तने वो चांदी के हों तो छोड़ देंगे। यही डिस्कशन नीचे पड़ा हुआ है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा।
अर्बन लैंड दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक प्योर अर्बन। सर ऐसा आज लग रहा है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ थ्योरी सी फीलिंग आ रही। फीलिंग पे मत जाओ, पूरा न्यूमेरिकल आना है इससे। लेकिन इसको सीखने से पहले कैपिटल एसेट की परिभाषा तो जाननी होगी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर किया जाएगा। तो बताइएगा, प्योर अर्बन, प्योर अर्बन कौन? जो एरिया कहाँ आता है या जहाँ की एक्सटेंडेड अर्बन एरिया यानी डीम्ड, अगर आबादी 1 लाख तक तो 10 लाख तक तो 6, उसके ऊपर है तो 8। कॉपी क्यों नहीं करवाया? बुक में है, उसी को कॉपी करते रहो, टाइम खराब करो। क्वेश्चन कब करोगे? क्वेश्चन करना है हमको। ये तो हो गया क्लियर, एक एक पॉइंट पढ़ा हमने, सब क्लियर है, बुक में सब सही सही दिया हुआ है। कहीं भी मैंने लॉ में लॉ वाली लैंग्वेज नहीं लिखी है, सिंपल सिंपल करके लिखा है, कलरफुल बनाया है। उससे अच्छा क्या लिखोगे बुक में, कॉपी में? तुम अभी इधर देखो, काम की चीज जो कैपिटल एसेट होते हैं ना बेटा, उसको दो हिस्सों में बांटा है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। पूरा बोलो क्या लिखा, क्या लिखा बेटा? इसे बेचोगे ना तो कैपिटल गेन जो इनकम होगी वो LTCG होगी, लॉन्ग टर्म, और इसे बेचोगे ना तो आंसर आएगा STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तुम बताओ सरकार क्या चाहती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? इनकम ज्यादा मतलब, अच्छा टैक्स ज्यादा मिले? नहीं, टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, सरकार की बात कर रहा हूँ। देश के व्यू पॉइंट से सरकार हमेशा चाहती है कि इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रांग हो, ग्रोथ हो। अगर आप फ्रिक्वेंटली चीजों को खरीदोगे बेचोगे तो वो ग्रोथ नहीं ले पाएगा, और अगर तुम बेचने से पहले होल्ड कर लोगे तो वो ग्रोथ हो जाएगा। कल जमीन खरीदी, आज बेच रहे हो, फिर खरीदी, फिर बेच रहे हो, अरे धंधा ही करना है तो लिख के टांग क्यों नहीं देता? नहीं नहीं मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो ये क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट? परसों खरीदा आज बेच रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है तेरा? रख तो कम से कम कुछ साल तो रख भाई, उससे आपका क्या फायदा हो? अरे फायदा ही फायदा है, अगर तुम होल्ड करोगे तो सप्लाई और डिमांड, हाँ तो रेट, तो ग्रोथ, फिर देश स्टेबल रहेगा, इकोनॉमी अच्छी होगी। तुमने ड्रामा कर रखा है, कबाड़ा कर रखा है, यूं खरीदा यूं बेचा, जरा सा शोर नहीं सुना कि लगे बेचने सब जमीन मकान। अरे भाई इधर तो दो क्राइम हो गए हैं, क्राइम हो गए, लो सारे जमीन मकान इधर के, जे जो सब बेचना चालू, ना ना इधर नहीं रहना, ये बेकार है। अब तू रह भी नहीं रहा, वैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी बेच रहा है, सुना है रेट गिर जाएगा। अभी फिर वही बात, शेयर बाजार में तो ऐसी होती है, रातों रात खबर फैल गई, भाई साहब सुबह तो बर्बादी है, हैं बेच दो बेच दो बेच दो, सारे बेच दिए। सरकार चाहती है यू मस्ट होल्ड एटलीस्ट सम पीरियड। सरकार ने पहली दफा घोषणा की थी ये बात 1993 में, जब सरकार को जरूरत थी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की। 93 में सरकार ने सबके सामने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। आप जानते हो रिक्वेस्ट ही करते थे, मतलब रिक्वेस्ट करते थे, बहुत ऑर्डर वाले नहीं थे, मतलब हाँ बहुत शांत स्वभाव के थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देश इकोनॉमी को स्टेबिलिटी बनाने के लिए आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कि आप सब अपने कैपिटल एसेट को कम से कम 3 साल रख के बेचो, उसके पहले मत बेचो। हाँ अगर शेयर वगैरह बेचना हो तो 1 साल के बाद बेच सकते हो, बट बाकी एसेट्स को कम से कम 3 साल होल्ड करके बेचो। लोगों ने कहा अच्छा ये आपका ऑर्डर है, आदेश है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपके एसेट्स कब बिके वो तो आप पे निर्भर है, हम कौन होते हैं आदेश करने वाले, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने कहा वेरी गुड, इट इज रिजेक्टेड। जब रिक्वेस्ट करिएगा तो रिजेक्ट ही होगा।
उन्होंने कहा देखिए पूरी बात सुन लीजिएगा, रिजेक्ट तो आप कर नहीं पाएंगे, आपके पिताजी भी नहीं कर पाएंगे रिजेक्ट, आप तो छोड़िए। अच्छा धमकी? ना जी, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपने जमीन कितने में बेची है साहब? मान लो बेच दिए 50 लाख में। हाँ तो लीजिए, मान लेते हैं कि आपने 50 लाख में, यानी सेल जो है वो 50 लाख है। भाई साहब खरीदी कितने में थी आपने? 30 लाख में खरीदी थी। वेरी गुड, तो माइनस कॉस्ट है 30 लाख, तो आपका गेन कितना आया साहब? 20 लाख। तो आप टैक्स कितने पे देंगे साहब? 20 लाख पे देंगे। बोलिए, अब सरकार ने कहा सुनिए, अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो क्या बताते हैं, रुकिए, तो अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो हम इसी को ऐसे लिखेंगे, नहीं नहीं 48 का नहीं, 30 का खरीदा है, मालूम है 30 का खरीदा है, तो आपने 48 लिख दिया। हाँ तो लिख दिया ना, नहीं हमारे कॉस्ट तो सिर्फ 30 लाख ही। हाँ तो क्या हुआ, हम 48 लिखेंगे, सोचो अब क्या होगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा? मजा क्या, बहुत मजा आएगा, क्योंकि बेच तो हम 50 में ही रहे, 50 में ही बिक रहा है और खरीदा 30 में ही है, मजा क्या, बहुत मजा आएगा। हाँ तो क्या चाहिए तुमको, इधर वाला चाहिए, इधर वाला तो लॉन्ग टर्म रख, लॉन्ग टर्म इधर वाला रखेगा तो ये ले, ला टैक्स दे इस पे, इधर इस पे टैक्स दे, इधर इस पे टैक्स दे, बोल क्या चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन समझ तो नहीं आया ना, ये 30 का 48 कैसे हुआ, हमने तो 30 ही खर्च किया था, आप ऐसे 48 कैसे लिख रहे हो, और 48 हमेशा 48 लिखना है क्या? नहीं नहीं कभी 46 भी हो सकता है, कभी 45 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इधर तुमको मजा आएगा। लेकिन कैसे, ये कैसे करना है, हम क्या मानेंगे कि तुमने जो खरीदा था बहुत पहले पैसे खर्च किए थे 30 लाख। हाँ सही बोला है, बहुत पहले खर्च किया था 30 लाख, तो 30 लाख महंगाई के दर से आज कितने का हो गया, वो हम कॉस्ट लेंगे। नहीं मैंने तो सिर्फ 30 खर्च किया था। हाँ वही तो समझा रहा हूं कि खर्चा 30 किया था, लेकिन हम ये सोचेंगे कि महंगाई के हिसाब से कितना आज वो खर्च होता उतनी कॉस्ट मान लेंगे। जैसे तुमने 30 लाख रुपए खर्च किए थे आज से 6 साल पहले, तो 6 साल पहले अगर 10 रुपए में सामान मिलता था, जो कि आज 16 रुपए में सामान मिल रहा है, तो भाई साहब ऐसा करेंगे कि 30 लाख डिवाइडेड बाई 10 × 16, ये आ गया 48, ये तेरी कॉस्ट मानेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, अब वो हम पे छोड़ दो, कैसे होगा, सारे नियम हम बनाएंगे, लेकिन मजा बहुत आएगा तुमको, अब बोलो क्या चाहते हो। कहा था ना मना तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म सही है जी, लॉन्ग टर्म सही है। आज आप जाकर पूछेंगे ना अपने घर में, उनको कॉमर्स का नहीं पता हो तो भी, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मकान जमीन तो 3 साल बाद ही बेचना चाहिए, ऐसे जल्दी बेचना ठीक नहीं। क्यों क्यों क्यों, सुना है कुछ गड़बड़ हो जाता है, यही गड़बड़ है। अगर शॉर्ट टर्म आया तो सिंपल आंसर करेंगे, स्टूडेंट क्या चाहेगा एग्जाम में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सिंपल आंसर करेंगे, कितने खरीदा, बराबर आंसर, लो खत्म। इसीलिए एग्जाम में शॉर्ट टर्म तो आने के चांस ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में तुमको क्या करना है, वो जो कॉस्ट है ना उसको इन्फ्लेट करना है, क्या बोलता हूं मैं, इंडेक्स करके इन्फ्लेट करना है उसको, महंगाई से इन्फ्लेट करके तब उसको लेस करना है, तो फायदा तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुमको कौन सा कैपिटल गेन चाहिए भाई, लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा कम से कम कितने साल, 3 साल। अभी अभी सरकार ने कुछ ही समय पहले, पिछले साल, जमीन मकान के लिए घटाकर 2 साल कर दिया। आज भी आपके घरों में यही खबर है 3 साल, उनको कहिए समझाइए कि नियम बदल गए, अब 2 साल में भी बेचेंगे तो वही मजा आएगा। जमीन मकान 3 साल था पहले, अब कितने साल में लॉन्ग टर्म हो रहा है, 2 साल। अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर कौन सा शेयर, मतलब क्या होता है, 2 साल, उसके लिए भी 2 साल की अवधि है। लेकिन जो लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड डिबेंचर है, लिस्टेड बॉन्ड है, उसके लिए अवधि है 1 साल 12 महीने। अब बाकी एसेट्स जैसे ज्वेलरी है या दूसरे एसेट्स हैं, उसके लिए 3 साल। तो आज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म,
पहचानना मुश्किल होगा और एग्जाम में आने के चांस जबरदस्त हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे पहचानिएगा साहब, देखिए इधर देखिए, लिस्टेड शेयर, जिसका नाम नहीं जानते हैं पूछिएगा, लिस्टेड डिबेंचर, नहीं जानते हैं पूछिएगा, लिस्टेड बॉन्ड, मनु को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं मनु, पक्का, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नहीं जानते, ये जानते हैं क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दिया, प्रोफेशनल बोलो, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही। जैसे आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको डर है कि आपके अंदर अकल की कमी है, कहाँ लगाएं नहीं लगाएं, डूब गया, तो एक कंपनी आपके सामने आती है और वो कहती है हम एक्सपर्ट हैं, आप पैसा हमें भरोसे पर दे दीजिए, हम बहुत अच्छी जगह आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तेरा क्या फ़ायदा इसमें, भाई फ़ायदा तो हमारा होगा, थोड़ा कमीशन भी रखेंगे हम, लेकिन फिर भी आपके हाथों इन्वेस्ट होने से अच्छा है, मर्जी आपके, देख लीजिए, ना 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 हमारे पास टाइम कहाँ है, हम सोचते रह जाएंगे कहाँ इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, भाई तू ले पैसे, पक्का ना डुबा तो नहीं देगा, अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, मेरा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपने पैसे दे दिए उसको, वो आगे इन्वेस्ट करता है, रिटर्न पाता है, आपको दे देता है, इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, सोचिए सोचिए सोचिए, वो कभी, हाँ बोलिए, नहीं करता, वो डाइवर्सीफाई करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो डाइवर्सीफिकेशन, कभी इन्वेस्ट करेगा कहीं गोल्ड में करेगा, कभी इक्विटी में करेगा, कभी डिबेंचर में करेगा, कभी जमीन में करेगा, कभी मकान में करेगा, ऐसा म्यूचुअल फंड जो 65% कसम खाता है, कसम खाता है कि 65% पैसा इक्विटी में निवेश करूंगा, उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड, नाम से साफ है, इक्विटी ओरिएंटेड। तो बताइए आज आप पढ़ा देंगे किसी को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, क्या पढ़ाएंगे कि देख भाई म्यूचुअल फंड समझता है ना, हाँ तेरा पैसा लगा फिर आगे वो इन्वेस्ट हुआ, हाँ तो जो इन्वेस्ट करती है ना कंपनी म्यूचुअल फंड वाली, अगर वो 65% या उससे ज़्यादा इक्विटी में लगाए तो ऐसा म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, ठीक है साहब। हालांकि अब डेफिनेशन थोड़ा सा और बदला है, बट आपके लिए अभी इतना ही काफ़ी है। अच्छा और देखिएगा सर, ये क्या है सर, यूटीआई, वो तो हम भी पढ़ रहे हैं, यूटीआई नहीं जानते, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाँ तो उससे क्या समझ तो वहीं रह गया, आपने इसका नाम बढ़ा के बोल दिया, उससे मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल फंड समझते हो, हाँ कब पैदा हुआ ये, हमको क्या मालूम कब पैदा हुआ, हुआ होगा पैदा, म्यूचुअल फंड पैदा हुआ पहली दफा, नहीं नहीं मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस समय, विदेशी कंसेप्ट आया था इंडिया में और वो घर घर जाकर यही प्रचार कर रहे थे कि देखिए आपके पैसे आप कहाँ निवेश करेंगे, आपको दिक्कत है आप हमें दीजिए हम निवेश करेंगे, और सब जितने जिस जिस घर जाते थे सब कहते थे चोर कहीं के बाहर निकल, तू निवेश करेगा ठग, पैसा लेके भाग जाएगा मेरा, भागता है क्या हूँ मैं, नहीं 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 हमको नहीं देना हमको नहीं देना, ये उस जमाने की बात थी जब ब्लैक एंड वाइट जमाना था, अभी तो कलर जमाना हो गया, उस जमाने की सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत भरोसा था सरकार पे क्योंकि आज़ादी मिली थी हमको तो सरकार पे बहुत भरोसा था, ये कंपनी सरकार से मिल गई कि देखिए आपकी जनता तो मान नहीं रही, हमारे पास स्कीम बहुत तगड़ी है, हम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे कर देंगे, ये फालतू में पैसा कहीं कहीं लगा के डुबाते हैं, मनी सर्कुलेशन जरूरी है, इकोनॉमी जरूरी है, ये वो, सरकार ने कहा यार बात में तो दम है तुम्हारे, हम भी कुछ कमा लेंगे इसी बहाने, तुम ऐसा करो तुम मेरे पीछे आओ मैं नॉक करता हूँ, देखिए हम सरकार हैं और हमने निकाला एक स्कीम, उसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
आप इसमें पैसे लगाइए, आपने सरकार में पैसा लगाया, सरकार अच्छी जगह निवेश करेगी और आपको उसके बदले रिटर्न देगी। हाँ जरूर, कितना पैसा, जितना भी हो, 500 रुपया चलेगा ना, दीजिए ना, 2000, 1 लाख, 10 लाख, 40 लाख, ऐसे बटोरा पैसा। UTI 64 नाम रखा था, UTI 64, 1964 में UTI 64, यानी सर UTI भी एक तरह से म्यूचुअल फंड हुआ, हाँ सरकारी हो गया समझ लो मात्र, हाँ बस इतना ही फर्क है। ओके सर, समझ गए, आगे चले। UTI समझ आया, सरकारी म्यूचुअल फंड। अच्छा, ZCB जानते हो, जानते हो, जीरो कूपन बॉन्ड, गवर्नमेंट इशू करते, ये सब कहाँ पढ़ लिया? नहीं, इंटरेस्ट तो सुना मैंने, ये क्या पढ़ लिया, गवर्नमेंट इशू करती है, ये क्या बकवास है। अच्छा, तुक्का लगाया, इंटरेस्ट फ्री होता है, मतलब क्या इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता, देखो इसका क्या मतलब जानते हो, है जीरो, जानते हो ना, इसका मतलब होता है ब्याज दर। अब पढ़ो, ब्याज नहीं देंगे, जाओ। आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने तुक्का लगा लगा के कुछ अपने दिमाग में जोड़ा, क्योंकि अपने आपको आत्मा की संतुष्टि चाहिए, आप लॉजिक ढूंढते रहे, और लॉजिक कोई किसी ने दिया नहीं, तो आपने कुछ ना कुछ अपने मन से जोड़ के मन को शांत कर दिया, बट सच्चाई क्या है वो सुनिए। जीरो कूपन बॉन्ड में ब्याज नहीं देंगे हम आपको, तो जाओ, हम नहीं खरीदेंगे, हम पागल हैं जो खरीदेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। तुम दौड़ोगे, अभी भीड़ लग जाएगी, मारपीट शुरू हो जाएगा, इतने लोग खरीदने आ जाएंगे, ऐ भी खरीदने आएंगे, तुम ब्याज नहीं दोगे, हम तुम्हारे बॉन्ड खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। सुन तो लो, 100 रुपये फेस वैल्यू, अरे कुछ भी फेस वैल्यू हो, अरे पूरी बात तो सुनो, 100 रुपये फेस वैल्यू, 60 रुपये में इशू करेंगे, 3 साल में फेस वैल्यू पे रिडीम, ब्याज नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या बोला, फिर से बोलो, अभी तुम 60 लोगे, हाँ 3 साल में 100 दोगे, लेकिन ब्याज नहीं दोगे, तो 40 मिला 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिला भाई, 12-13 रुपया मिला, 13 रुपया मिला 1 साल में, और लगाया कितना था मैंने, 60 रुपया, तो भाई ये तो 20-21% हो गए पर है ना, 21% ब्याज दे रहे हो तुम, और कहते हो ब्याज नहीं देंगे, अरे तो मत दो भाई, ये बॉन्ड दे दो, बॉन्ड कहाँ कितना, हाँ तुमको कितना लेना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, कम बचा है, हाँ हमारा भी लो, 1 लाख हम भी खरीदेंगे। समझ आया इतनी दूर, अभी कहानी बाकी है। अब प्रश्न क्या है तुम्हारे मन में कि सर जो ये इशू करेगा उसका क्या फायदा, खरीदने वाले का तो हम सर समझ गए, जो इशू करेगा सर उसका क्या फायदा, एनीवन गेस, उसका फायदा क्या है, 60 लेके 10 100 दे रहा है, 60 लेके 100 दे रहा है, ये तो सोचो, ये नहीं सोचा कभी, तुम अगर उसकी जगह होते तो तुम क्या करते, 60 लेके 100 देते क्या, ब्याज दे देते हर महीने, हर साल उससे अच्छा। तो दरअसल में जो भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, वो जब ये पैसा लगाती है प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट 4 साल में तैयार होके रिटर्न देता है। अब हमको 2000 करोड़ लगाना है एक प्रोजेक्ट में जो 4 साल में तैयार होके रिटर्न देगा। अगर मैं 2000 करोड़ लोन लूंगा तो बैंक अगले दिन से ब्याज चालू कर देगा, मेरे सर में दर्द हो जाएगा, अब ब्याज मैं दूंगा कहां से, प्रोजेक्ट बनेगा तो बिकेगा तो मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जीरो कूपन बॉन्ड बहुत मददगार होता है। अरे बाद में तुमको जितना चाहिए लो, अभी ब्याज मत लो ना भाई, अभी मेरे पे कहां से पैसा आएगा, मैं पुल बना रहा हूं, रोड बना रहा हूं, डैम बना रहा हूं, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो पैसा अभी थोड़ी देगी सरकार, अरे बाद में ज्यादा मिलेगा तो दूंगा, लेकिन अभी मत लो, तो जीरो कूपन बॉन्ड इशू करो, बाद में अच्छा मिलेगा, हाँ बाद में अच्छा मिलेगा, तो अच्छा दोगे, हाँ अच्छा देंगे,
तो जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर दो, शुरू में ब्याज देने की जरूरत ही नहीं है, इकट्ठा ही देना है। लॉजिक समझ आए? अच्छा बेटा इधर देखो, कौन कौन सा नाम लिखा जल्दी बताओ, लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, सॉरी जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट ऑफ यूटीआई। ठीक बेटा, इतनों के लिए हमने रखा है 12 महीने का पीरियड, 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, 12 महीने तक शॉर्ट टर्म है। क्या बोला मैंने? लंबी सांस ले लो, थकान आने लगे तो बोलो 12 महीने से। क्या बोला फिर से बोलना, 12 महीने से, 12 महीने से लॉन्ग टर्म है, 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। एग्जैक्ट 12 महीने है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने पर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने दो दिन पे बेचा तो लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर समझ गए, अनलिस्टेड शेयर समझ गए, और लैंड बिल्डिंग इसके लिए 24 महीने और बाकियों के लिए 36 महीने। बताओ ज्वेलरी 2.5 साल बाद बेच रहा हूं, जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म। बिल्डिंग 2.5 साल बाद बेच रहा हूं, तो ये तुम्हारे लिए आसान है, मुश्किल कर दूं फिर? हाँ सर कर दो, हम डरते हैं क्या? हाँ तो बताओ, नॉन लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 18 महीने में बेच रहा हूं, तुम ही कह रहे थे सर मुश्किल कर दो, बच्चों वाला मत पूछो। हाँ हाँ दो बार और लो, नॉन लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 18 महीने, लगाओ दाव खेलो जरा, जुआ लगाओ देखो। मारना उसको दाव खेल रहे हैं, वो अपना बोल रहा है, तू अपना बोल रहा है, तू उसमें चढ़ गिरा। हाँ सर शॉर्ट टर्म बोलो सर, क्योंकि देखो यहाँ आपने लिखा है लिस्टेड, जो हम नहीं देख पा रहे बट है जरूर लिखा हुआ, हो सकता है भूल गए हो, ये लिस्टेड जरूर लिखा होगा सर, हम तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि इंसान हो आप, भूल हो जाती है आपसे, तो आपने यहाँ लिस्टेड लिखा होगा, हमको नहीं दिख रहा लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों ही इसी डब्बे में है, और इसी डब्बे में है तो कितना देखना, तो 18 महीने में बेचा तो क्या लॉन्ग टर्म। ओ ऐसा धोखा देंगे आप, तुम ही कह रहे थे बड़े होने वाली बात करो, बच्चों वाली बात मत करो, फिर से हो जाए एक। हाँ सर इस बार तो दिखा देंगे आपको, बिल्कुल जरूर दिखा दीजिए आप। ऐसा है अनलिस्टेड डिबेंचर 30 महीने में बेचा है, अनलिस्टेड डिबेंचर 30 महीने में बेचा है, कर लो क्या करते हो, बड़े बड़े हमने देखे हैं सूरमा, अनलिस्टेड डिबेंचर 30 महीने में बेचा है, पैर हिल रहा है देखते रहा, तेरा ही है, रोक के दिखा उसे, बोल कि नहीं हिलेगा जब तक ना बोलूं, क्या वो तेरी बात मानता है, मैं पूछ रहा हूं कि मानता है, वो मानता है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल, तू बता क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ तेरे से ही तो क्वेश्चन, तो बोल, अनलिस्टेड डिबेंचर तो तुमको इधर दिखा, वो इधर नहीं दिखा, अच्छा इधर दिखा, इधर दिखा नहीं, तो किधर दिखा, इधर दिखा, अच्छा क्वेश्चन में कितने महीने में बेचा था, 30 महीने में, और उत्तर क्या है, क्या है उत्तर, और तूने क्या बोला था, लॉन्ग टर्म, ध्यान नहीं था तेरा। अच्छा बता, मैंने तुझे बताया कि तुझे सिर्फ होश मिला है, होश मिलाया और तूने बता दिया, सिर्फ होश में आना, फिर भी आप लोग बढ़िया होश में रहे,
लास्ट वाला आंसर आपने एकदम बढ़िया किया। तो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अगर आपने नहीं पकड़ा तो कोई फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पकड़ना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पकड़ना पड़ेगा, इसको मैं लिखवाता हूँ। आपने अभी तक जो कहा था वो लिखा, आपने ये लिखा कि नहीं लिखा बताइए। ये लिखने कहा था, सिर्फ ये कहा था लिखने, लिखा ये। चलिए अब इसके बाद लिखते हुए समझ में भी आ रहा है, होश में, लिखते हुए होश में समझ भी आना चाहिए। हाँ कौन सा? हाँ अभी बता रहा, बस इसके बाद वही। क्या बटन देखो, ठीक है, एसटीसीजी एलटीसीजी डन। देखो बेटा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ होल्डिंग पर। जैसे शॉर्ट टर्म है, अगर आपका POH अप टू 12 महीने है, 24 महीने है या 36 महीने है, आपको POH ही लिखना है।
होगा कुछ, तुमको क्या पीयूएच को बिना जाने पीयूएच लिखने में कितनी तकलीफ हो रही है, और शेयर को तुमने 11वीं कक्षा से 3-4 साल तो झेला ही होगा, शेयर 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 पता नहीं क्या शेयर लिखो पीयूएच, आप बता देते हम पूरा लिख लेते, नहीं लिखना है ऐसे लिखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखना पीयूएच है। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड कर जाए 12 महीने से, 24 महीने से, 36 महीने से तो लॉन्ग टर्म। अब किस में 12, किस में 24, किस में 36, वो अब हम लिखने जा रहे हैं। लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिबेंचर, बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई, इन सब में देखना है 12 महीने। अब देखो बेटा आप कह रहे हो थोड़ा दोबारा से बता दो, ये देखो दिक्कत हो रही है। देखो मैंने यहाँ लिस्टेड लिस्टेड लिखा है, मतलब इसमें लिस्टेड नहीं लिखा है, तो ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों इसी में आएंगे, ये भी नहीं है, जेड सी बी भी लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों इसी में आएगा। दूसरे नंबर पर लिखो अनलिस्टेड शेयर, लैंड बिल्डिंग, छत्तीस महीने। अब बताओ कोई डाउट आ रहा है तो पकड़ लोगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोलिए, तो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन सर लेकिन हमने बताया नहीं करना कैसे है, उसमें कुछ बताना ही नहीं है, कैपिटल गेन में कुछ बताना ही नहीं है, जैसे जैसे बेच रहे हैं आंसर निकालो खत्म। इसमें कोई फॉर्मेट थोड़ी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है और ये देना है वो देना है, जीओवी निकालो पहले, वैसा कुछ निकालना नहीं भैया, जितने में बेचा है बताओ, जितने में खरीदा है बताओ, कुछ खर्चा वगैरह और किया तो बताओ, घटा देंगे आंसर। इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, आज के आज खत्म। करें कर लेते हैं चालू एग्जाम्पल पर, सीधा एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह हो जाए सर, कुछ नहीं है इसमें, क्या फॉर्मेटिंग सिखाऊं। एग्जाम्पल वन,
अच्छा अब ये बताओ, मान लो ये मकान तुम्हारा है, लॉन्ग टर्म आ रहा है शॉर्ट टर्म आ रहा है, देख के बताओ। ये देख लिया कितने दिन पीछे रह गया, वो 3 दिन से बच गया, नहीं तो लॉन्ग टर्म आ जाता है ना। 2 साल 24 महीने पूरे होने में 3 दिन रह गया, नहीं तो लॉन्ग टर्म आ जाता, तो शॉर्ट टर्म है। अब सिंपल ये सोचो कि तुम्हारा मकान था ये और तुमने बेचा है, और खर्चे क्या किए हैं तुम्हारे सामने, खर्चे क्या किए हैं तुम्हारे सामने है, इम्प्रूवमेंट भी लिख दो ऑन 20 जनवरी 2018 20 जनवरी 2018, मतलब ये जो खर्चा किया ना 1,70,000 20 जनवरी को किया है। अब तुम्हारे सामने है ये खर्चा और आमदनी, तो इनकम निकालो, रफ में निकाल लो, चलो फेयर में मत करो, रफ में कर लो। 17, और वो रजिस्ट्रेशन का क्या किया, वो भी खर्चा में माना ना, तो टोटल खर्चा तुम्हारा कितना बैठ गया, 1,70,1,90,1,90,20,1,60,20,60,21,30 और 39,500, कितना आंसर आया, 17,80,500। चेक करना तो यही आ रहा है क्या, अरे खर्चा इनकम से घटा उसमें कुछ है ही नहीं, कितना सोचेगा। छोटी सी कहानी है जो तुम लिखते समय सोए हुए, अगर तुम क्वेश्चन को लिखते समय होश में रहते तो क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आ रहा था। अब तुमको क्वेश्चन जो तुमने ही अपने हाथों से लिखा है उसे ही पढ़ना पड़ रहा है और ढूंढना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है, जबकि क्वेश्चन आराम आराम से लिखा है, मतलब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए था। कमी को ढूंढो और सुधारो। आ गया आंसर, नहीं आया तो नहीं आएगा, रहने दो आंसर। अब इस आंसर को हमें प्रेजेंट ऐसे करना है कि हमें पूरा नंबर मिले। कैसे भाई, सबसे पहले तो हम हेडिंग बना देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, उसके बाद लिखेंगे एसएससी कौन, उसके बाद लिखेंगे ट्रांसफर ईयर क्या, ट्रांसफर ईयर चेक करो 18-19, ट्रांसफर ईयर क्या 18-19, सर ट्रांसफर ईयर क्या करोगे जान के, क्योंकि इसी ईयर की इनकम बनेगी, अगला साल एवाई होगा तो हमें एवाई लिखना है बेसिकली, एवाई क्या लिखूंगा 19-20, क्या बेचा, क्या बेचा, हाउस, हाउस के लिए कितना महीना 24, आइडेंटिफाई करोगे ना कि हमें 24 देखना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ कहाँ से कहाँ तक, बोलो बोलो, 30/16 से 27/6/18, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, ठीक। सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स कंसिडरेशन, शब्द सुनिए,
सेल्स कंसिडरेशन, सेल प्राइस नहीं, कंसिडरेशन। मतलब कि कुछ हुआ और मुझे मिला, इंटेंशनली नहीं था, इसलिए शब्द इस्तेमाल करते कंसिडरेशन। कितना? 39.50 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अक्वायर करने का कॉस्ट। एक मोबाइल आपने खरीदा 40,000 रुपए में और 2,000 का उसके ऊपर आपने कुछ सामान लिया, एसेसरीज। अब तुमसे पूछा जाता है कि कितने का मोबाइल पड़ा, टेम्पर ग्लास लिया, दूसरी चीज़ें ली, फ्लिप कवर लिया, 2,000 रुपए का लिया, तो तुम क्या 40 बोलते हो प्रैक्टिकली या 42 बोलते हो? कि तो 42 का पड़ गया 42 का, वही पड़ गया एक्विजिशन। तो तुमने मकान खरीदा 19,20,000 में, 40,000 रजिस्ट्रेशन के पड़ गए, तो कितना हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 19,60,000। तो आज तुमने अभी क्या सीखा कि अगर कोई खर्चा किया जाए अक्वायर करते वक्त, दैट मस्ट बी एडेड विद द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। परचेज नहीं लिख बोलना है, एक्विजिशन बोलना है। परचेज तो इंटेंशनली होता है, क्रय विक्रय नहीं कर रहे हम, सेल परचेज नहीं कर रहे, एक्विजिशन अक्वायर कर रहे हैं, बड़ी घटना है, इसलिए अक्वायर शब्द इस्तेमाल होता है। माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, याद रहे रिपेयर वगैरह का काम इसमें नहीं आ पाएगा, एक इम्प्रूवमेंट आएगा जो आप कैपिटल नेचर की उम्मीद करते हो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,70,000। माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बेचते समय जो खर्चा हुआ, बताइए बेचते समय कुछ खर्चा हो रहा है क्वेश्चन में? कितना हो रहा है? 1%। कितना? 39,500। ये आपका आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना? 17। बताइए यही आपको करना है, यही प्रेजेंटेशन है, यही काम आपको हमेशा करना है। लॉन्ग टर्म में बस हम इन चीज़ों को, इन दो चीज़ों को इम्प्रूव कर देंगे इंडेक्सेशन से, इन दो चीज़ों को बस। ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये दो इम्प्रूव हो जाएगा। दिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटा? 2। सपोज इन एग्जाम्पल 1, हाउस वॉज acquired on 20-10-2012। खरीदा था, सब कुछ वही, प्राइस वही, बस खरीदा था 20-10-2012, बाकी सब वही है। ठीक, तो हम चेंज कहाँ से करेंगे बेटा? ऊपर से तो सारी बात वही लिखेंगे, कॉपी पेस्ट, एसएससी ट्रांसफर ईयर, असेसमेंट ईयर। पीरियड ऑफ होल्डिंग बदलने वाला है तो वहाँ से चेंज करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। 20-10-2012 से 27-6-2018, यही ना? चेक करके बताइएगा, यही आएगा लॉन्ग टर्म।
अमाउंट इन रुपीज। सेल कंसिलेशन कितना? 39.50। माइनस क्या घटाया था पिछली बार देखिएगा, बताइए क्या घटाया था। अब शब्द इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स्ड COA, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, एग्जाम में अलाउड है, इंडेक्स्ड COA शॉर्ट में अलाउड है, इंडेक्स्ड COA। कैसे सर कैसे? कितने रुपए की COA है बताइए, कितने रुपए का है? 19,20,000 मत कभी बोलिएगा, क्या कहिएगा? जिस समय यह खर्च हुआ था उस समय की महंगाई कितनी थी? पेज नंबर 6.4। अब जरा क्वेश्चन में देखिए ना कब खर्च हुआ था, क्वेश्चन में देखिए तो खर्च कब हुआ है, 2012 फिर बोल रहे हैं, 12-13 या 11-12 कुछ तो बोलिए, 12-13। तो बताइए 12-13 में महंगाई कितनी थी? 200 रुपये। तो जिस साल खर्च हुआ था उस समय महंगाई 200 की थी, और आज यानी आपका जो करेंट ईयर है यानी जो आपने ट्रांसफ़र किया है, जब ये इस वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इस वर्ष को यहाँ और इस वर्ष को यहाँ लेना है, समझ रहे हो? तो बताओ 18-19 का क्या है? 280 हो गया जी, महंगाई से इंडेक्स। सही बताओ, इंडेक्सेशन मुश्किल है, जिस समय का है उसको नीचे रखना है, जहां पहुंचाना है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म होगी। इंडेक्सेशन मुश्किल नहीं है बताओ। 27,44,000। अब इंप्रूवमेंट पर आओ, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बताओ इंप्रूवमेंट कितने रुपए का हुआ है? 1,70,000 का। अब ये इस बार इंडेक्स तुमको खुद करना है, अगर तुमने लॉजिक सीखा है तो इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं पूछोगे मुझसे, क्या करना है? 1,70,000 किस वर्ष खर्च हुआ, ये खर्चा किस वर्ष हुआ? 17-18, उसे नीचे रखो 272, और ट्रांसफर ये ऊपर रखो, ट्रांसफर ये ऊपर रखो कितना? 280, 1,75,000। बस जी, दो ही आइटम तो बदलने थे, बाकी तो कुछ है ही नहीं। कितना है आंसर? ये कितना है? 39,500। कितना है भाई साहब LTC जी? 9,95,000। और शॉर्ट टर्म में क्या आ रहा था? 17,00,000। कितने का फर्क आ गया भाई साहब? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सरकार हमेशा लॉन्ग टर्म को बेनिफिट देना चाहती है। हो जाएगा इंडेक्स? अरे हाउस प्रॉपर्टी से बोल दो आसान है, हाउस प्रॉपर्टी में तो GAV निकालने में कितना टाइम लगाया था तुमने, एक दिन में एक कैटेगरी, फिर दूसरी कैटेगरी, फिर दूसरे दिन में तीसरी, और बार बार कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सी कैटेगरी है, फिर एक मकान में चार टुकड़े हों तो और मुसीबत। सैलरी से आसान था हाउस प्रॉपर्टी, नहीं सैलरी याद करो सैलरी तो याद नहीं है, 30 तारीख आने ही वाला है, मात्र 11 दिन है, सैलरी याद नहीं तुझे, दांत तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा, हाथ में रख दूंगा, गिनते रहना फिर।
हाँ मतलब ऐसे नहीं दांत तोड़ेंगे, मैं ऐसे बोल रहे हैं आप हंसो, लेकिन याद रखना पड़ेगा ऐसे नहीं होगा। सैलरी से आसान था हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी से आसान है कैपिटल गेन भाई साहब। और बताओ मैंने झूठ बोला था तो बता दो, सैलरी से आसान था कि नहीं हाउस प्रॉपर्टी? इस बात गवाह है ये कि अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मैंने पहले भी सही बोला है। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से आसान नहीं है क्या? हाउस प्रॉपर्टी में कितना लफड़ा था, जी ए बी एन ए बी और अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या, और इसमें क्या करना है, कितने में बेचा खुद ही बता देगा क्वेश्चन, वही लिख देना है कितने में खरीदा, उसको इंडेक्स कर देना है। भाई इंडेक्स करने में कौन सी मुसीबत है, जितने जिस साल खर्चा किया उसको नीचे रखो और गिवन होगा, और क्या तू सोच रही है ऐसे याद करके जाएगी एग्जाम में, क्या बात कर रही है। और ये याद अगर करके जाए आदमी और ये दे दे तो जो एग्जामिनर है ना उसी को बुला ले, तू बता। तो क्या समझ रहे थे तुम? ओ भाई साहब गलती हो गई, मैंने बताया ही नहीं, ये दिया होगा भाई, क्या बात कर रहे हो, इसको याद कर पाओगे तुम? गिवन होता है, इन्फ्लेशन के रेट होते हैं जो सरकार नोटिफाई करती है, और अभी तक तो सिर्फ 2018-19 नोटिफाई हुआ है, अगले साल का अगले साल नोटिफाई होगा, ऐसा थोड़ी है कि अगले साल का अभी तक अभी से पता है, वो सरकार नोटिफाई करेगी और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ ये हो सकता है कि 2-3 साल के बजाय 6-7 साल का गिवन हो, तुम उसमें से चुनो कि कौन सा चाहिए तुमको, कंफ्यूज करने के लिए तुमको ऐसा करें, वो तुम्हारा देखना पड़ेगा। ठीक है, आसान है, चलो साहब अब एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3। बताइए जब दो इम्प्रूवमेंट अलग अलग ईयर्स का हो तो अलग अलग उसे लेस करेंगे या मिलाकर ही लेस कर देंगे? मिलाइएगा तो इंडेक्स कैसे कीजिएगा आप ही बताइए, डिनोमिनेटर उसका अलग होगा, इसका अलग होगा, न्यूमिरेटर एक होगा, न्यूमिरेटर एक होगा ट्रांसफर ईयर, बट डिनोमिनेटर जो नीचे का है वो तो अलग अलग होगा, तो उसको एक साथ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं मिलाइएगा, अलग अलग करना पड़ेगा लेस। मत देखिए कुछ, हाँ मत देखिए, प्रॉब्लम आ गई क्या?
इंडेक्स, इंडेक्स तो अच्छा वाला सिखाया तुमको, है? सर इंडेक्स 2001-02 से दिया हुआ है आपने, और सामान खरीदवा लिया आपने 1995-97 में, तो उसका क्या? इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जब जब 1 अप्रैल 2001 के पहले का एसेट खरीदा बिकेगा आज, तब तब ये समस्या आएगी, क्या ऐसा कह रहे हो? सोच के बताना। तो क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि जब भी कोई एसेट जो बिक तो आज रहा है बट खरीदा गया है 1 अप्रैल 2001 के पहले, तब तक हमें इंडेक्स करने में दिक्कत आएगी? सर क्या ये कहना चाह रहे हो? अच्छा, अगर 1 अप्रैल 2001 को खरीदा गया होता क्या तब भी दिक्कत आती? 1 अप्रैल 2001 सोच के बताओ, 1 जनवरी 2001 को खरीदा गया होता तब भी दिक्कत आती? 1 जनवरी 2001 कौन सा वर्ष है? 2001 है, तो क्या तब भी दिक्कत आती? सर आती सर, दिक्कत आती, यानी ये दिक्कत सर तब तब आएगी जब जब 1 अप्रैल 2001 के पहले एसेट खरीदेंगे, तब तब हमेशा ही दिक्कत आएगी। तो जो चीज़ हमेशा ही परेशान करे उसके लिए सरकार ने नियम बना दिया, कहा कि ऐसा करो, अगर कोई एसेट 2001 के पहले का है तो उसकी जो कॉस्ट है और जो उस एसेट की 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू है उसमें से हायर को हम कॉस्ट बना देते हैं। हमने कहा भाई साहब ये तो आपने कानून बता दिया, लॉजिक कहाँ दिया? तो लॉजिक ये लो, आप आज बेच रहे हो मकान, भाई साहब क्वेश्चन बताना कितने का? 72 लाख। कई साल पहले आपने मकान खरीदा है शायद, बताना कब खरीदा है भाई साहब? 96-97। कितने का खरीदा है? पिटोगे 290 बोलना ही पाप है, क्या बोलना है समझ आ रहा है? 3। अच्छा, उसके बाद 98, 99, 2000, 2001, 2002। गवर्नमेंट कहती है अगर यहाँ कोई यात्री हो तो आप इसे यहाँ तक पहुँचा देंगे, और क्या, यहाँ से तो पूरा बढ़िया बढ़िया रोड बना हुआ है यहाँ से आने का, इधर से रोड नहीं है, इधर से कैसे जाएगा कोई? इधर ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ फेंकना है, कैसे होगा? अगर यहाँ पर होता तो मैं फेंक देता, हाँ फेंक देते सर। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो ना, यहाँ की FMB को मान लो कि ये FMB कितनी FMB है मैं पता लगाओ। हमने कहा जी है FMB कोई 5,60,000। तो भाई तू ये मान ले कि ये जो 5,60 है ये यहाँ तक की महंगाई है, और यहाँ से अब यात्री को यहाँ पहुँचा दे, कॉस्ट मान ही मत 3,20, कॉस्ट मान ले FMB एज ऑन 1/4/2001, तो तेरी वैल्यू वहां से वहां पहुंच गई, और 2001 से तो तुमको मालूम है कैसे लेके जाना है गाड़ी, लेके जाओ ऊपर, नहीं समझ आया? तुम्हारी कॉस्ट 3,20 किसी तरीके से 2001 तक पहुंचानी है, क्योंकि 2001 से तो रोड बना हुआ है, आप गाड़ी आगे बढ़ा लोगे, तो 2001 तक पहुंचाने का क्या मतलब है? हम आपको क्या दे रहे हैं, फायदा या नुकसान? फायदा, किस चीज का फायदा? महंगाई का फायदा। तो हम ये मान लेते हैं कि मकान की जो मार्केट वैल्यू है 2001 में, सर ये पता कैसे चलेगा? अरे वो मुझ पर छोड़ो, बताऊंगा। 2001 में जो महंगाई मार्केट वैल्यू है वो महंगाई के ही कारण रही होगी, ऐसा अज्यूम करके आपको हमने कॉस्ट वही दे दिया। सर ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, ऐसा महंगाई ऐसा 2001 की मार्केट वैल्यू होगी? चांस तो कम है लेकिन हो सकता है। तब सर अगर आप हमको 260 दोगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, आप यही रख लो, तो ये रख लेंगे तो जाएंगे कैसे? जाना तो इधर से ही है, डिनोमिनेटर तो 100 लेना है। इसीलिए सरकार ने कहा देखो कंफ्यूज हो जाओगे,
लॉजिक मत समझो, नियम नियम रट लो। पहला नियम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 2001 की मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर को कॉस्ट लो। कॉस्ट बदल गया अब तुम्हारा, एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर मार्केट वैल्यू 6,260 है तो क्या लो, 3,20 लो। अगर मार्केट वैल्यू 5,40 है तो क्या लो, 5,40 लो। पहली शर्त। दूसरी शर्त, दूसरा रूल, डिनोमिनेटर हमेशा तुमको 100 लेना पड़ेगा। जब भी 2001 के पहले का मामला होगा तो डिनोमिनेटर 100 लेना पड़ेगा, गाड़ी तो वहीं से चलेगी। तो डिनोमिनेटर क्या लेना है, क्लियर हो गया। कॉस्ट क्या लेना है, हायर लेना है। तो मान लीजिए आपकी यहाँ पर मार्केट वैल्यू 5,00,000 है, तो आपको 5,00,000 लेना है, 3,20 नहीं लेना है। समझ आ रहा है, बोलिए। और सुना है आपने कहीं यहाँ कहीं इम्प्रूवमेंट भी कराया है, कितना, 1,00,000। क्या आपको इसको भी इंडेक्स करने में दिक्कत आएगी, जल्दी बताइए। इसको इंडेक्स करने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि सर डिनोमिनेटर चाहिए हमको, वो तो है नहीं। तो सरकार ने कहा इसे इंडेक्स कर ही क्यों रहे हो, इसे घटाने की जरूरत ही नहीं, खर्चा हुआ है भाई हमारा, जब तुझे यहाँ की मार्केट वैल्यू दे दी तो सब मिला मुलू के उसी में आ गया। अरे समझा नहीं, तू एक जब मकान लिया तूने, उसमें तूने एक मंजिल और बनाया, यही है ना इम्प्रूवमेंट। अब जब मैं मार्केट वैल्यू ले रहा हूँ तो पूरे की ले रहा हूँ, तो इम्प्रूवमेंट की भी तो मार्केट वैल्यू ले चुका हूँ 5,60 में, ए हटा उसे। तो तीन कानून याद रखिए, पहला शर्त, पहले पहला रूल, एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू कब की, 2001 मत बोलिए, पूरा बोलिए, डेट पूरा डेट बोलिए, कब की, एक, अरे डेट बताइए, डेट 1 अप्रैल 2001। अगर आप 2000-2001 बोलेंगे तो उसमें 365 दिन होते हैं, किस दिन की मार्केट वैल्यू लेनी है, 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज हायर। दूसरी शर्त, डिनोमिनेटर 100। तीसरी शर्त, तीसरा भी कहा था ना, 2001 के पहले, 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर कोई इंप्रूवमेंट किया है तो उसको इग्नोर करेंगे। समझ गए दोस्त। तो क्या सर ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप हमको इसमें एक जानकारी और दोगे, हाँ जी, तो लीजिए जानकारी लीजिए। सर वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पता चलता है, देखो गोल्ड वगैरह है, शेयर वगैरह है, तब तो पता चल जाता है रिकॉर्ड से। मकान जमीन वगैरह होता है ना, तो रजिस्ट्री करने जहाँ जाते हैं ना, रजिस्ट्रार के पास ऑफिस, वहाँ से उनको पेमेंट देकर उस टाइम के आसपास की रजिस्ट्री का कॉपी ले लेते हैं और उससे हम निकाल लेते हैं स्क्वायर फिट के हिसाब से क्या रेट चल रहा था, और हम अपने मकान पर स्क्वायर फिट से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू ले आते हैं। आंसर चलिए फटाफट कीजिए, एसएससी कौन, मिस्टर गणेश, ट्रांसफर ईयर क्या, एवाई क्या, कैपिटल एसेट क्या, बिल्डिंग कैसे देखना है, हैं कैसे देखना है बिल्डिंग, 24 महीने, ठीक। अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब चेंज हो जाएगा, इसलिए एक कॉलम और बढ़ा लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल और एफएमवी, एफएमवी कब की, विच एवर इज हाई, कितना रुपया, 5,00,000। कंपेयर करने के लिए जो ब्रोकरेज है उसको जोड़ के कंपेयर करोगे कि नहीं, उसको तो हमेशा जोड़ के ही चलना है ब्रोकरेज को। खरीदते समय जो तुमने खर्चा किया बेटा, खरीदते समय ब्रोकरेज खर्च किया ना, उसकी बात कर रहा हूँ।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या ICOA, ICOA इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोलो कितना लोगे? 560 ले लिया ना, तो तुमने 560 ले लिया, डिनोमिनेटर क्या आता हुआ है, मल्टीप्लाई पंद्रह लाख, हाँ बुरा, इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001, इग्नोर, दूसरा कब हुआ है, ईयर बोलो भाई, ईयर बोलो, ईयर कितना करो, करो 6 लाख, कब हुआ है खर्च, 6 लाख कब खर्च हुआ है, 9-10 का क्या है इन्फ्लेशन, 148, 35, 35 माइनस करो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, हम 44 लाख, 24,000, 44 लाख, 24,000, 865, पेज 6.3, तब भी 4 लाख ही लेते, बात में तुम्हारे दम है लेकिन लॉ बना है तो यही फॉलो करना पड़ेगा, बात तो तुम्हारा दम वाला है लेकिन हाँ, लेकिन लॉ कहता है कि हमने आपको हायर का ऑप्शन देकर ख़त्म कर दिया, बीच के इम्प्रूवमेंट को कूड़े में डाल दो, फंस गए, ठीक है। पेज नंबर 6.3 निकालो भाई, इसमें नोट नंबर 1 से नोट नंबर 9 तक आप पढ़ के आएंगे, क्या बोला दोबारा सुन लो, नोट नंबर 1 से 9 तक, अब पता चला आप ज़्यादा ही पढ़ने लग गए, इन चक्करों में मत पढ़िएगा, पढ़ाई खाना और व्यायाम सीमा में होना चाहिए तभी स्वास्थ्यदायक है, सीमा के परे गए तो सेहत खराब कर लेंगे। कॉस्ट और कुछ क्यों नहीं भाई साहब, बिल्कुल और कुछ क्यों नहीं होगा कुछ, 6.1 पेज प्रैक्टिस मैनुअल 6.2, छोटा सा कुछ नहीं बेकार, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, 4 मत करिएगा, 4 नहीं कीजिएगा, 1, 2, 3 और 5, ये 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में है, सब मिलाकर आपको आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 घंटा मान लीजिए, बाकी का समय आप दे रहे हैं परीक्षा की तैयारी में। थैंक यू।